मेरा जो ये लेक्चर है वह मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित रहेगा। सबसे पहला ही रिसर्च प्रपोजल क्या है, एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल की क्या खासियत होती है, और रिसर्च प्रपोजल का महत्व क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि रिसर्च प्रपोजल और उससे संबंधित कई ऐसे सिनोनिम्स हैं जो कि इंटरचेंजेबली जो है व्यवहार में लाए जाते हैं, है ना। जैसे आपने नाम सुना होगा सिनॉप्सिस, आपने एब्स्ट्रैक्ट का नाम सुना होगा, रिसर्च डिज़ाइन का नाम सुना होगा। ये सारे जो आप सिनोनिम्स देख रहे हैं वह हमेशा जो है रिसर्च प्रपोजल की टर्मिनोलॉजी के साथ कंफ्यूज किए जाते हैं या इंटरचेंजेबली इनका प्रयोग किया जाता है, किंतु इनके बीच थीन लाइन ऑफ सेपरेशन है। हम इस पर चर्चा करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि अलग अलग प्रकार के रिसर्च प्रपोजल क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जिस विषय पर यह लेक्चर केंद्रित है वह यह है कि रिसर्च प्रपोजल के मुख्य तत्व या मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम एक डिटेल्ड और लॉजिकल रिसर्च प्रपोजल बना रहे होते हैं। और फिर हम फाइनली कंक्लूड करेंगे कि हमने इस लेक्चर में आपस में क्या विचार साझा किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट इज़ अ रिसर्च प्रपोजल? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिसर्च प्रपोजल क्या है। रिसर्च प्रपोजल, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, यह एक ऐसा प्रस्ताव है जो शोधकर्ता या शोधार्थी निकट भविष्य में जो शोध कार्य करने जा रहा है ना, उस शोध कार्य के लिए वह एक प्लान ऑफ एक्टिविटीज या एक डिज़ाइन ऑफ एक्टिविटीज तैयार करता है। यदि आपसे कोई लेमिन पूछता है कि रिसर्च प्रपोजल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि यह एक ब्लूप्रिंट है। किसका ब्लूप्रिंट है? जिस रिसर्च को शोधकर्ता समय में या निकट भविष्य में पूरा करने वाला है उसका वह क्या है? ब्लूप्रिंट है। जिस प्रकार अब आपसे ही पूछा जाएगा कि ब्लूप्रिंट क्या है, तो आप ये बता सकते हैं जिस प्रकार भवन निर्माण करने के लिए आप आर्किटेक्ट जो होते हैं उनके द्वारा तैयार किए गए नक्शे पर निर्भर करते हैं और उसी के आधार पर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार जो रिसर्च प्रपोजल जो है वह एक ब्लूप्रिंट का काम करता है, एक आउटलाइन का काम करता है, एक नक्शे का काम करता है, और आप इसी के अनुसार जो है क्या करते हैं, अपने प्रपोज्ड रिसर्च को क्रियान्वित करते हैं। यदि आप एकेडमिकली कहें तो रिसर्च प्रपोजल क्या है, यह कॉन्साइज और कोहेरेंट समरी है। किसका कोहेरेंट समरी है? प्रपोज्ड रिसर्च का कोहेरेंट समरी है। जो भावी शोध आप करने जा रहे हैं, है ना, उस शोध के सभी महत्वपूर्ण तत्वों को, सभी उस शोध के सभी महत्वपूर्ण घटकों को यह क्या करता है, यह सुसंगत और सुसंगठित रूप से प्रस्तुत करता है। इसमें सभी महत्वपूर्ण एलिमेंट होते हैं, साथ ही साथ इन सभी महत्वपूर्ण एलिमेंट्स को यह संक्षेप में इसका विस्तार भी करता है। अमूमन हम यह समझते हैं कि जो रिसर्च प्रपोजल है वह रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, एक बार यदि तैयार कर लिया जाए तो वह फिक्स्ड होता है ना। किंतु मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि रिसर्च प्रपोजल जो है जैसे जैसे रिसर्च प्रोग्रेस करता है, प्रगति करता है ना, उसके साथ साथ ये इवॉल्व होता जाता है। कहने का अर्थ ये है कि रिसर्च प्रपोजल जो है वह शोधार्थी ने अपने एंड पर तो तैयार कर लिया है, किंतु जब वह अपनी सुपरवाइजर को या सब्जेक्ट रिसर्च कमिटी के समक्ष उस शोध प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है तो उस शोध प्रस्ताव में कुछ सुझाव दिए जाते हैं, और यह सुझाव जो है वह शोधार्थी इन सुझावों के आधार पर अपने रिसर्च प्रपोजल को क्या करता है, वह उसमें संशोधन लाता है। और इस प्रकार जो रिसर्च प्रपोजल है वह और प्रभावी बन जाता है और रिफाइन हो जाता है। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि जब तक आप टूल्स का डेवलपमेंट नहीं कर लेते, एटलीस्ट तब तक आपके पास स्कोप होता है कि आप अपने रिसर्च प्रपोजल में क्या करें, सुधार लाएं। आप लगातार रिव्यू करते जाते हैं, है ना, और जब आप रिव्यू करते जाते हैं तो आपकी उस एरिया को लेकर के गहन समझ जो है वह बनती है, और जैसे जैसे आपकी समझ बनती जाती है, अंतर्दृष्टि विकसित होती जाती है, आप जो है अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी को, अपने जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, जो ऑपरेशनल डेफिनेशंस आपने बनाए हैं, इन सभी को आप रिफाइन करते जाते हैं। इवन रिसर्च टाइटल को भी आप रिफाइन करते जाते हैं। मान लीजिए कि आपने पहले क्या रिसर्च क्वेश्चन बनाया था, आपने पहले जो है एक रिसर्च हाइपोथेसिस बनाई है जो कि नल हाइपोथेसिस के रूप में है। देर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन
टू पर्टिकुलर, देर इज़ नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, है ना। आप अगर इस तरह का नल, इस तरह की नल हाइपोथेसिस बना रहे हैं, तो जब आप शुरुआत में आपको बहुत कम शोध मिले हैं, इस वजह से जो आपकी जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो क्या है, जो हाइपोथेसिस आपने बनाई है वो नल हाइपोथेसिस है। पर जब आप जिस रिसर्च एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं उसमें और भी संबंधित शोध साहित्य का अध्ययन करते जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि इस रिसर्च वर्क को एक एक निर्धारित दिशा दी जा सकती है, एक निश्चित दिशा दी जा सकती है। तो आप वहाँ फिर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, या देयर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन दिस टू वेरिएबल्स। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने रिसर्च प्रपोजल को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। अब हम यह जानेंगे कि एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल की क्या खासियत होती है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने पहले भी डिस्कशन किया है कि जो एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल होता है उसमें प्रपोज्ड रिसर्च के सभी महत्वपूर्ण तत्व जो हैं समाहित होते हैं, ठीक है, और वह ब्रीफली डिस्क्राइब भी होते हैं। यह रिसर्च प्रपोजल बताता है कि निकट भविष्य में शोधार्थी या शोधकर्ता किन क्रियाकलापों को वह संचालित करेगा जिससे कि उस प्रस्तावित शोध कार्य को पूरा किया जा सकता है, और इसमें जितने भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं प्रपोज रिसर्च से संबंधित, वे सभी सेट ऑफ स्टेटमेंट, चाहे वह स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम हो, या स्टेटमेंट ऑफ प्रोसीड्योर जिसे कि हम ऑपरेशनल डेफिनेशंस के भी नाम से जानते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस हो, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हो, यह सभी बहुत ही व्यवहारिक रूप से, सटीक तरीके से, स्पष्ट रूप से, कॉन्साइसली जो है यह क्या किए जाते हैं, परिभाषित किए जाते हैं। तो एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल की यह खासियत होती है। फिर एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल की यह भी खासियत होती है कि जो रिसर्च प्रपोजल है, यह रिसर्च प्रपोजल जो होता है वह यह बताता है कि जिस शोध समस्या का अध्ययन किया जाना है वह शोध समस्या का अकादमिक और उसका जो शोध का आधार है वह क्या है, वह किस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से जुड़ा हुआ है, वह किस लाइन ऑफ इंक्वायरी से जुड़ा हुआ है, है ना, वह किन शोध संबंधित शोध साहित्य से जुड़ा हुआ है, स्कॉलरली जो लिटरेचर है उसमें उस रिसर्च की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, यह सब कुछ जो है आपका शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। यह भी बताता है कि आपका जो शोध प्रस्तावित शोध है वो कितना फिजिबल है, कितना व्यवहारिक है। मान लीजिए कि आपने टाइम फ्रेम बनाई है, आपने शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज बनाई हुई है, है ना, तो क्या आपने जो एक्टिविटीज़ बनाई है, आप जिसे निकट भविष्य में क्रियान्वित करने वाले हैं, क्या उसे आप जो निर्धारित समय सीमा है आपकी, क्या उस समय सीमा के अंतर्गत पूरा कर सकते हैं। आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है या रिसर्च फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आपके पास जो लैब या किसी स्टडी साइट्स या लाइब्रेरी के का एक्सेस जो है वह उपलब्ध है या नहीं, ये सारी बातें जो है वह शोध की फिजिबिलिटी या व्यवहारिकता को दर्शाता है। तो आप शोध प्रस्ताव में यह एक अच्छा शोध प्रस्ताव यह दर्शाता है कि आपका शोध जो है वह फिजिबल है या नहीं। आप मान लीजिए कि आप इंक्लूसिव एजुकेशन के शोध क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और ब्लाइंड बच्चों के साथ कार्य करना चाहते हैं, ठीक है, और आपको यह देखना है कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स साइंस कॉन्सेप्ट्स जो हैं ऐसे विद्यार्थियों को क्या किए जा सकते हैं, पढ़ाया जा सकता है। अब इसके लिए जो इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, जिस प्रकार के लैब को विजिट करने की आवश्यकता है, वो भारत में नहीं है, उसके लिए आपको फॉरेन कंट्री को विजिट करना पड़ेगा। क्या आप वहाँ, आप जो है आपके पास इतने रिसोर्सेज उपलब्ध है कि आप किसी फॉरेन कंट्री को विजिट कर सकें, या फिर आपके पास ऐसी भी सुविधा हो सकती है, क्या आप उन एक्सपर्ट्स से परिचित हैं जो फॉरेन ऑथर्स हैं उनसे परिचित हैं जो इस शोध क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, या आप वहाँ जो फॉरेन कंट्री में जो लैब है इस प्रकार के विद्यार्थियों के साथ कार्य करने के लिए, क्या वहाँ के लैब का वर्चुअल एक्सपीरियंस किया जा सकता है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है कि जो रिसर्च प्रपोजल है वह शोध आपके प्रस्तावित शोध की फिजिबिलिटी को बताए। क्या आप जिस आपका प्रस्तावित शोध रिलेवेंट है, जो वर्तमान शैक्षिक संदर्भ में जो हमारी शैक्षिक आवश्यकताएं हैं क्या यह उससे जुड़ता है, क्या वह स्कॉलरली लिटरेचर में जो भी इश्यूज़ है, जो डोमिनेंट इश्यूज़ है, क्या उससे जुड़ता है, क्या यह रिलेवेंट वर्क है, क्या यह एक इंटरेस्टिंग और ओरिजिनल वर्क साबित हो सकता है। आप इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जो जिस शोध अध्ययन को आप करने जा रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है, है ना, उसका महत्व क्या है, उसका थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन क्या है, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन यानी जो बॉडी ऑफ नॉलेज है ना, या जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है,
या जो स्कॉलरली लिटरेचर है या उसमें क्या नया आइडिया या क्या नया आयाम जोड़ने वाला है। दूसरा, ये थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के तहत जो डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उन स्टेक होल्डर्स को यह किस प्रकार मदद करेगा, करिकुलर मटेरियल्स की डेवलपमेंट में किस प्रकार मदद करेगा, एजुकेशनल इंटरवेंशंस में किस प्रकार मदद करेगा, जो शिक्षक हैं उनके नवाचारी अभ्यास में किस प्रकार मदद करेगा, काउंसलर्स को कैसे मदद करेगा, पेरेंट्स को कैसे मदद करेगा, पॉलिसी मेकर्स को कैसे मदद करेगा, ये सारी बातें जो हैं आप एक अच्छे शोध प्रस्ताव में क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। इसके अतिरिक्त क्या और विशेषताएं हो सकती हैं? आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वह रिसर्चर के स्कॉलरशिप को या रिसर्चर की बौद्धिक क्षमता है, बुद्धिमत्ता का स्तर है या शोध में उसकी दक्षता का जो स्तर है उसको भी क्या करता है, वह प्रदर्शित करता है। वह बताता है कि क्या शोधकर्ता जिस रिसर्च एरिया या के अंतर्गत कार्य कर रहा है, क्या उस एरिया की उसे गहन अंतर्दृष्टि है, गहन समझ है, क्या उसमें वह शोध दक्षता मौजूद है। मान लीजिए कि आप आदिवासी जनजातीय समूह के साथ काम करना चाहते हैं, क्या आपको उनकी भाषा की समझ है, आप उनके साथ उनकी संस्कृति का अध्ययन करना चाहते हैं, आप एथनोग्राफिकल स्टडी करना चाहते हैं, तो एथनोग्राफिकल स्टडी में जो इंटरव्यू इमर्ज इन ऑब्जर्वेशन जो प्रोसीड्योर है या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का प्रोसीड्योर है या फिर जो इंटरव्यू जो सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, क्या उसे आप संचालित करने का अनुभव रखते हैं, आप दक्षता रखते हैं या आपने कभी जो है इस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यह सारी बातें जो हैं आपके एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल से क्या होती है, प्रदर्शित होती है। इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि जो रिसर्च प्रपोजल है वह जिस डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए तैयार किया जा रहा है या जिस फंडिंग एजेंसी के स्कीम के तहत तैयार की जा रही है, क्या उसके विज़न उसके गोल से यह जुड़ता है, क्या वहाँ हो रहे शोध कार्यों से, चाहे वो डॉक्टोरल हो या पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च वर्क हो, वहाँ जो प्रोजेक्ट या फिर वर्क संचालित की जा रही है, क्रियान्वित की जा रही है, वहाँ जो वर्कशॉप सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जिन इश्यूज़ पे, और वहाँ जिस प्रकार के शोध उपकरण डेवलप किए जा रहे हैं, क्या उन इस लाइन ऑफ डेवलपमेंट को मैच करता है, यह भी एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल की एक प्रमुख विशेषता होती है। अब हम ये जानेंगे कि एक और भी अनोखी सी चीज़ है, वह यह है कि जो आपका रिसर्च प्रपोजल है वह रैशनल कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटेलेक्ट एंड फीलिंग्स ऑफ द रिसर्चर को भी बताता है। यानी आप अमूमन हम क्या सोचते हैं कि जो रिसर्च प्रपोजल होता है वह बहुत तार्किक होता है, नो डाउट यह तार्किक होता है, इसका अधिकांश हिस्सा जो है वह बहुत तार्किक होता है, इसमें जितने भी आप स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस देते हैं उसके सपोर्ट में आप किसी न किसी स्टडीज़ को इनका इंटेक्स साइटेशन देते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, नो डाउट यह तार्किक है। किंतु रिसर्चर को यहाँ अपनी फीलिंग्स को भी प्रस्तुत करने की स्वायत्तता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि यदि आप एक इंटीग्रेट करते हैं अपने इमोशंस को अपने रिसर्च प्रपोजल में, तो वहाँ क्या होता है, आपका रिसर्च प्रपोजल जो है उसमें जो रीडर हैं, जो इवैल्यूएटर हैं, जो आपके शोध प्रस्ताव को जो रिव्यू कमेटी के मेंबर्स के समक्ष जब आप उनको उस शोध प्रस्ताव को प्रस्तुत करेंगे तो उन्हें पर्सुएट करने की उसमें क्षमता आ जाती है। मान लीजिए कि आपने ब्लाइंड बच्चों के साथ काम किया है ना, आपको 3 से 5 सालों का उनके साथ कार्य करने का अनुभव है, आप उनकी समस्याओं से परिचित हैं, आप उनकी समस्याओं के साथ इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं, ठीक है, आपका जो ये अनुभव है, आपकी जो अनुभूति है, वह यदि आप उस समस्या पर शोध कार्य करना चाहते हैं तो जब आप उस समस्या को रैशनलाइज करते हैं, है ना, तो आप उस वक्त उसकी जो औचित्य है उसमें अपने अनुभव को, अपनी जो संवेग है, जो इमोशंस हैं, आप उसको सम्मिलित कर सकते हैं। सिर्फ आपको यह सावधानी बरतनी है कि आप यह जाने कि कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वह आपकी इमोशंस का होना चाहिए। तो यह कुछ खासियत है, यह कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल की हैं। अब हम यह जानेंगे कि रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि एक अच्छी रिसर्च प्रपोजल की क्या खासियत होती है, उस खासियत में इस प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। फिर भी मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूँगी कि आखिर वो क्या महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं जो एक रिसर्च प्रपोजल को तैयार करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए, और रिसर्च प्रपोजल जो है इसके लिए हमें सहायता प्रदान करता है, हमें मार्गदर्शित करता है। सबसे पहली चीज़ कि
जो रिसर्चर है, जिस शोध कार्य को, प्रस्तावित शोध कार्य को करने जा रहा है, उसके लिए वह उसे निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करता है ना, उसकी सहायता करता है। साथ ही साथ यह बताता है कि स्कॉलरली लिटरेचर में जिस शोध समस्या पर वह शोध प्रस्ताव केंद्रित है, वह शोध समस्या स्कॉलरली लिटरेचर में कहाँ स्थान रखती है, किस लाइन ऑफ इंक्वायरी से जुड़ी हुई है। यह बताता है कि यह जो प्रस्तावित शोध कार्य है वह कितना गुणवत्तापूर्ण होगा, वह कितना मौलिक कार्य होगा, कितना महत्वपूर्ण कार्य होगा, या समाज के लिए और शिक्षा व्यवस्था के लिए किस प्रकार कंट्रीब्यूटिंग होगा, क्या यह एक ओरिजिनल या सक्सेसफुल पीस ऑफ रिसर्च वर्क साबित होगा, है ना। यह भी जो है एक रिसर्च प्रपोजल जो है वह निर्धारित करता है। रिसर्च प्रपोजल इवेल्युएटर्स को या रिव्यू कमेटी के मेंबर्स को सहायता करता है यह जानने में या आकलन करने में कि जो रिसर्च मैथडोलॉजी या जो प्रपोजल है ना जो आपने तैयार किया है, कि आप इस प्रकार के मैथड्स, रिसर्च मैथड्स और प्रोसीडर्स का उपयोग करेंगे, उसे वह सटीक है या नहीं, वह प्रभावी रूप से प्रस्तावित शोध कार्य को संचालित कर सकता है या नहीं, इसे भी निर्धारित करता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आपका रिसर्च प्रपोजल जो है वह आपको कुछ सामान्य गलतियां करने से रोकता है। आप जब शोध प्रस्ताव का निर्माण करते हैं तो उसी वक्त आप यह निर्धारित कर लेते हैं कि आपका जो रिसर्च वर्क है वह किस दिशा में संचालित होने वाला है। ठीक है, वो आप उसको स्पेकुलेट कर लेते हैं उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो आप कुछ सामान्य गलतियाँ हैं उसको करने से क्या है, अपने आप को रोक सकते हैं। जैसे अगर आपने पहले ही प्लान ऑफ एक्टिविटीज़ या रिसोर्सेज, किन रिसोर्सेज की आवश्यकता है या फिजिबिलिटी ऑफ द रिसर्च स्टडी पर यदि आप पहले से विचार कर ले, तो जब आप शोध कार्य करने के लिए तैयार होंगे या शोध कार्य क्रियान्वित करेंगे, तो उस वक्त आपसे इस तरह की गलतियां नहीं होंगी कि आप जो है अपने प्लान ऑफ एक्टिविटीज़ को, है ना, जो आपने रिसर्च प्रपोजल, जो प्लान ऑफ एक्टिविटीज़ तैयार की है, उन एक्टिविटीज़ को समय पर न पूरा कर सके। ऐसा भी हो सकता है जो रिसोर्सेज आपने तय की थी, आपने पहले उस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया, और अब जब आप रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करते हैं और आपको यह पता चलता है कि आपका शोध कार्य उन अवेलेबल रिसोर्सेज के आधार पर पूरा नहीं हो सकता, तो यह कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके रिसर्च प्रपोजल से जुड़ी हुई हैं। अब हम यह जानेंगे कि रिसर्च प्रपोजल और उससे संबंधित जो टर्मिनोलॉजीज हैं, है ना, जिनका इंटरचेंजेबली उपयोग किया जाता है, जो उसके समानांतर जो है, समकक्ष जो है, खड़े होते हैं और कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं रिसर्चर के दिमाग में और जो रीडर्स हैं उनके भी दिमाग में। तो चलिए जानते हैं कि रिसर्च प्रपोजल ऐसी टर्मिनोलॉजीज से, जो पैरेलल टर्मिनोलॉजीज हैं, उससे किस प्रकार अलग है। सबसे पहले कि सिनॉप्सिस और समरी, है ना, हमेशा हम कन्फ्यूज़ होते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम सिनॉप्सिस तैयार कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हम रिसर्च प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, तो क्या सचमुच ये दोनों एक ही चीज़ें हैं या इन दोनों के बीच में अंतर है। मैं बताना चाहूँगी इन दोनों के बीच में व्यापक अंतर है, जहाँ सिनॉप्सिस जो है वह रिसर्च के वर्क के समाप्त होने के पश्चात तैयार किया जाता है, वहीं रिसर्च प्रपोजल जो है रिसर्च को क्रियान्वित करने के पूर्व तैयार किया जाता है। वह तो प्लान ऑफ एक्टिविटीज़ होता है कि आप प्रस्तावित शोध कार्य को भविष्य में किस प्रकार संचालित करेंगे, क्रियान्वित करेंगे। इस सिनॉप्सिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपने अपना डिसर्टेशन वर्क, आपने अपनी थीसिस पूरी कर ली, आपने अपना रिसर्च वर्क पूरा कर लिया, आपने अपना रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर लिया, उसमें जितने भी सेक्शंस होते हैं वह सभी सेक्शंस जो हैं आपके सिनॉप्सिस या समरी में क्या होते हैं, संकलित होते हैं, और यह सभी सेक्शंस जो हैं वो ब्रीफली एक्सप्लेन होते हैं। इसलिए जो सिनॉप्सिस है उसे क्विक स्नैपशॉट या कंडेंस्ड वर्सन या कंडेंस्ड कंप्रेस्ड वर्सन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट या डिसर्टेशन वर्क भी कहा जाता है। अब दूसरी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसके साथ रिसर्च प्रपोजल को कंफ्यूज किया जाता है, वह है एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पर भी एक मिथ है, लोग यह सोचते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वह सिर्फ रिसर्च वर्क या फिर रिसर्च पेपर का होता है। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वह प्रपोजल का भी होता है। अगर आप एकेडमिक डिग्री के लिए, थेसिस या डिसर्टेशन वर्क के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप रिसर्च प्रपोजल का निर्माण कर रहे हैं, तो वह बहुत डिटेल्ड होता है, तो डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल होता है, तो आप उसका एक आउटलाइन तैयार कर सकते हैं, और यह आउटलाइन जो है वह क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। यहाँ मैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द प्रपोजल के संबंध में बात कर रही हूँ। इस एब्स्ट्रैक्ट में रिसर्च प्रपोजल के जितने भी महत्वपूर्ण खंड होते हैं वह सभी खंड उसमें समाहित होते हैं, और इन सभी खंडों का एक या दो लाइन में क्या किया जाता है, डिस्क्रिप्शन किया जाता है, या एब्स्ट्रैक्ट जो है एक या दो पैराग्राफ में सिमट जाता है। अब मैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिसर्च वर्क और रिसर्च पेपर के बारे में बात करूंगी।
आपका जो ये एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिसर्च पेपर होता है वह क्या करता है, वह रीडर को पर्सुएट करने के लिए तैयार किया जाता है ना, कि आपका जो रिसर्च वर्क है वह वर्थ रीडिंग है या नहीं। अन्यथा आप एक रीडर आपके रिसर्च वर्क को पढ़ने में अपना समय क्यों जाया करेगा। ठीक है, तो यहाँ ये एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिसर्च वर्क जो है या रिसर्च पेपर जो है वो रिसर्च पेपर के संपूर्ण रिसर्च पेपर के कार्य को पूर्ण करने के पश्चात, लेखन के पश्चात तैयार किया जाता है या रिसर्च रिपोर्ट को पूरा करने के पश्चात तैयार किया जाता है। ठीक है, यह जो है अगर आप समरी से तुलना करें तो समरी की तुलना में यह क्या होता है, अपेक्षाकृत कम डिस्क्राइब्ड होता है। यह उसका एक अंश आप मान सकते हैं। इस रिसर्च, इस एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यह बताता है कि वह रिसर्च पेपर किसके बारे में है, वह रिसर्च वर्क किस शोध समस्या से संबंधित है, इस रिसर्च वर्क में क्या सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है ना, जो आप शोध कार्य किए हुए हैं उसका उसमें सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है, आपने किस थीम को या किन उद्देश्यों को डिस्कस किया है, आपने किस मैथडोलॉजी का प्रयोग किया है ना, आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं, आपकी क्या कंक्लूजन्स हैं और आप आगामी शोध के लिए किस तरह के रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। यह सभी बातें जो हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिसर्च पेपर में क्या होती है, समाहित होती है, और यह भी जो है बहुत संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है और एक या दो पैराग्राफ में यह सिमट जाता है। अब हम रिसर्च डिज़ाइन और रिसर्च प्रपोजल में अंतर जानेंगे। जो रिसर्च डिज़ाइन होती है वह रिसर्च प्रपोजल का एक हिस्सा है। आप रिसर्च प्रपोजल को रिसर्च डिज़ाइन नहीं कह सकते। यह जो रिसर्च प्रपोजल है इट इज़ अ प्लान ऑफ एक्टिविटीज टू अकॉम्प्लिश द प्रपोज रिसर्च वर्क, वेयर एज योर रिसर्च डिज़ाइन इट इज़ अ प्लान ऑफ मैथड्स एंड प्रोसीड्योर टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन और टू अचीव द रिसर्च ऑब्जेक्टिव अंडर द रिसर्च। ठीक है, यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जो रिसर्च डिज़ाइन है वह आपने जो रिसर्च क्वेश्चन बनाई है या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाई है उसको पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, यह एक प्लान होता है, यह प्लान होता है या एक फ्रेमवर्क होता है मेथड्स और प्रोसीड्योर का, कि आप किस रिसर्च मेथड का उपयोग करेंगे, किस रिसर्च प्रोसेस का उपयोग करेंगे, है ना, आप किस टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग का उपयोग करेंगे, किस टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन का उपयोग करेंगे, टेक्निक ऑफ डेटा एनालिसिस का उपयोग करेंगे, ताकि आप प्रभावशाली तरीके से अपने प्रस्तावित शोध कार्य को संपादित कर सके, संचालित कर सके। आप जो वेरिएबल्स की स्टडी करना चाहते हैं या जिस सोशल फेनोमेनन या सोशल सिचुएशन का अध्ययन करना चाहते हैं आप उसका व्यापक रूप से अध्ययन कर सकें। तो यह अंतर है रिसर्च डिज़ाइन और रिसर्च प्रपोजल के बीच। हमने यह जान लिया कि रिसर्च डिज़ाइन रिसर्च प्रपोजल के बीच के अंतर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट और रिसर्च प्रपोजल के बीच अंतर क्या है, सिनॉप्सिस या समरी और रिसर्च प्रपोजल के बीच अंतर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग प्रकार की रिसर्च प्रपोजल क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेस्ड ऑन द पर्पस दैट वी वांट टू फुलफिल रिसर्च प्रपोजल इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज अप्रूवल प्रपोजल और एकेडमिक प्रपोजल एंड द सेकंड इज फंडिंग प्रपोजल। अप्रूवल प्रपोजल या एकेडमिक प्रपोजल क्या होता है, यह एकेडमिक प्रपोजल जो है यह किसी एकेडमिक डिग्री के लिए, एमफिल पीएचडी की डिग्री के लिए तैयार की जाती है या किसी डिसर्टेशन वर्क और किसी थीसिस वर्क के लिए तैयार की जाती है। इसे आप किसी इंस्टीट्यूशन के डिपार्टमेंट के लिए तैयार करते हैं, है ना, वहाँ पर जो शोध कार्य आप करने जा रहे हैं उसके लिए आप तैयार करते हैं। यह सब्जेक्ट रिसर्च कमिटी के मेंबर्स के समक्ष जो है वह प्रस्तुत की जाती है और वह जो है इस रिसर्च प्रपोजल की स्वीकृति देते हैं। उनसे स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही आप उस रिसर्च प्रपोजल के अनुसार अपने प्रस्तावित शोध कार्य को क्या कर सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको बताना चाहूँगी कि इसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वह क्या होते हैं, सेपरेटली मेंशन्ड होते हैं। इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स, जो मुख्य जो तत्व होते हैं प्रपोज रिसर्च वर्क के, वो सेपरेटली मेंशन होते हैं और प्रत्येक घटक को क्या किया जाता है, वृहद रूप से उसका विस्तार किया जाता है, उसका वर्णन किया जाता है। यह एक डिटेल्ड और लॉजिकल प्रपोजल होता है। साथ ही साथ इस प्रपोजल में रिसर्चर को अपनी इंसाइट, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जो उसकी आलोचनात्मक समझ है, स्कॉलरली लिटरेचर जो उसकी शोध समस्या से संबंधित है, उसे साबित करना होता है कि वह उस शोध क्षेत्र की कितनी गहन समझ रखता है। ठीक है, दूसरा जो प्रपोजल है वह है फंडिंग प्रपोजल। यह जो फंडिंग प्रपोजल है वो फंडिंग एजेंसी के लिए तैयार की जाती है। फंडिंग एजेंसी जो है वो कॉल फॉर प्रपोजल्स लाती है या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल किसी स्कीम के तहत लाती है और आप अप्लाई करते हैं। ऐसी स्थिति में आप फंड प्राप्त करना चाहते हैं अपनी शोध परियोजना के लिए या अपने शोध कार्य के लिए।
अब चूंकि आपको ग्रांट प्राप्त करना है, तो आप उस फंडिंग एजेंसी की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है आप उससे पूरा करने का प्रयास करते हैं। मे बी यह रिक्वायरमेंट जो है वह फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट हो, टेक्निकल रिक्वायरमेंट हो, रिसर्च फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट हो। कभी कभी ऐसा होता है कि उनका बजट का फॉर्मेट भी तय होता है, उनकी हेडिंग्स किस हेडिंग में कितना खर्च करना है वो अमाउंट भी डिसाइडेड होता है। आपको उनके बजट के फॉर्मेट के अनुसार ही अपने फंड की बजट जो आप अपने शोध कार्य के लिए, शोध परियोजना के लिए आप क्या करते हैं, आप प्रस्तावित करते हैं, ठीक है। और उनका रिसर्च प्रपोजल बनाने का भी फॉर्मेट क्या होता है, तय होता है, और आप उनके फॉर्मेट के अनुसार ही क्या करते हैं, रिसर्च प्रपोजल का निर्माण करते हैं। अब आगे देखेंगे कि इसमें और क्या चीज़ें होती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें टाइम फ्रेम और प्लान ऑफ शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक एक्टिविटी में क्या रिसोर्सेज, किन रिसोर्सेज की आवश्यकता है ना, कितने फंड की आवश्यकता है, किन लोगों की आवश्यकता है, किन एक्सपर्ट्स से आपको संवाद करने की आवश्यकता, ये सब कुछ जो है आप वहाँ उस प्लान शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ में आप बताते हैं। आप उस टाइम फ्रेम में रखते हैं कि कितना समय लगेगा और साथ ही साथ उसमें कितना खर्च आएगा। आप फंड बजट भी करते हैं, है ना, आप अपने शोध कार्य के लिए आपको कितने फंड की आवश्यकता है अलग अलग मदों में, आप उसे भी क्या करते हैं, प्रस्तावित करते हैं। मैं यहाँ एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि जहाँ मैंने आपको बताया कि अप्रूवल प्रपोजल में जितने भी मुख्य तत्व होते हैं वह क्या होते हैं, सेपरेटली डिस्क्राइब होते हैं, है ना, वह क्या होते हैं, उसमें प्रत्येक पक्ष जो है वह अलग अलग जो है डिस्क्राइब किया जाता है। किंतु जो आपका जो फंडिंग प्रपोजल होता है उसमें कई कंपोनेंट जो हैं आपस में मर्ज हो जाते हैं। जैसे जब आप यहाँ इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन सेक्शन में ही आप बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस, इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं। वहीं जो आप अप्रूवल प्रपोजल या एकेडमिक प्रपोजल बनाते हैं, जो आप एमफिल पीएचडी की डिग्री के लिए बनाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सारे कॉम्पोनेंट, ये इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपने जितने कॉम्पोनेंट बताए, जैसे स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस या बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च बताया, ये सारे कॉम्पोनेंट जो ब्रीफली डिस्क्राइब तो होते हैं, किंतु आप इसे अलग से भी आप विस्तारपूर्वक आप वहाँ उसका वर्णन करते हैं। अब जो आप फंडिंग प्रपोजल बना रहे हैं, उस फंडिंग प्रपोजल में जो रिसर्च डिज़ाइन होती है, वो रिसर्च डिज़ाइन क्या है, वह वैध होनी चाहिए, वह सटीक होनी चाहिए, यह आपको जो है सिद्ध करना पड़ता है। साथ ही साथ आप जो रिसर्च वर्क करने जा रहे हैं, आप उसके रिलेवेंस, उसके सिग्निफिकेंस, है ना, उसकी ओरिजिनैलिटी, वह कितना महत्व, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसको भी आप हाईलाइट करते हैं। ये चीज़ें जो हैं वह अप्रूवल प्रपोजल में भी होती हैं। यहाँ रिसर्चर को अपने कॉम्पिटेंस को तय करना को प्रदर्शित करना होता है, क्योंकि आप जिस फंड या ग्रांट के लिए आप इस प्रपोजल का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे कई प्रपोजल वहाँ पहुँचते हैं, तो आपको यह साबित करना होगा कि आपका जो प्रपोजल है, आपका जो कॉम्पिटेंस है, आपकी जो समझ है, वह अन्य शोधकर्ताओं की तुलना में ज़्यादा है, अधिक है, ठीक है। आपको यह भी साबित करना होता है कि आप जिन रिसोर्सेज का या जिन रिसर्च फैसिलिटीज़ का आप इस्तेमाल करने वाले हैं, वह आपके शोध कार्य से किस प्रकार जुड़ती है, कितनी सटीक है। आप जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, उस इंस्टीट्यूशन में क्या लैब की सुविधा है, इक्विपमेंट्स की सुविधा है, यह सब चीज़ें भी आपको हाईलाइट करनी होती है, तभी आपको फंड या फंड जो है वो ग्रांट की जाती है। इसके बाद हम जानेंगे कि एक अलग तरह की कैटेगरी है जिसके आधार पर जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है सॉलिसिटेटेड रिसर्च प्रपोजल और दूसरा होता है अनसॉलिसिटेटेड रिसर्च प्रपोजल। जो सॉलिसिटेटेड रिसर्च प्रपोजल होता है वह किसी फंडिंग एजेंसी कोई स्कीम निकालती है या कॉल फॉर प्रपोजल्स निकालती है या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल निकालती है, उसके तहत जो है आप इस रिसर्च प्रपोजल के लिए क्या करते हैं, आप को अप्लाई करते हैं, आप किसी शोध परियोजना के लिए आप अप्लाई करते हैं। यह भी जो है वो फंडिंग प्रपोजल की जैसा ही है। जैसे मैंने वहाँ विशेषता बताई कि यहाँ पर आपको फंडिंग एजेंसी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी होती है, आपका टाइम फ्रेम, आपकी जो बजट है वो वेल स्पेसिफाइड होती है ना, यदि उनकी कोई फॉर्मेट है, यदि उनके कोई टेक्निकल डिटेल्स है उनको आपको पूरा करना होता है, यदि उस फंडिंग एजेंसी की अपनी कोई विजन है, अपना कोई गोल है, अपने कोई ऑब्जेक्टिव्स है, तो उसके तहत ही आपको क्या करना होता है, अपना शोध प्रस्ताव या शोध समस्या का चयन करना होता है। अनसॉलिसिटेटेड प्रपोजल जो होता है एक ऐसा प्रपोजल है जहां
कोई रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल नहीं होता या कॉल फॉर प्रपोजल नहीं होता। आप क्या कर जो रिसर्चर हैं वो क्या करता है, किसी भी वाइटल रिसर्च प्रॉब्लम पर एक प्रपोजल तैयार करता है और उस प्रपोजल को वह किसको भेजता है, वह फंडिंग एजेंसी को भेजता है। और जो रिव्यू कमेटी के मेंबर्स हैं, जब उन्हें यह लगता है कि यह जो रिसर्च वर्क है वो भावी समय में एक अच्छा शोध कार्य या एक ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क जो है वह साबित हो सकता है और समाज के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है ना, तो वह उसे अप्रूवल दे सकते हैं। किंतु यह रिसर्च प्रपोजल जो है किसी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या किसी कॉल फॉर प्रपोजल के अंतर्गत तैयार नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूएशन। जब हम रिसर्च प्रपोजल के कॉन्टिन्यूएशन की ज़रूरत होती है तो उसमें भी या प्रोजेक्ट के कॉन्टिन्यूएशन की ज़रूरत होती है तो उसके आधार पर भी रिसर्च प्रपोजल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉम्पीटिंग कॉन्टिन्यूस प्रपोजल और कॉन्टिन्यूएशन प्रपोजल, और दूसरा होता है नॉन कॉम्पीटिंग कॉन्टिन्यूएशन प्रपोजल। जो कॉम्पीटिंग कॉन्टिन्यूएशन प्रपोजल होता है उसे रिन्यूअल प्रपोजल के नाम से भी जाना जाता है। मान लीजिए कि जिस शोध कार्य को आप करने जा रहे हैं, जो शोध परियोजना कार्य करने जा रहे हैं, जो रिसर्च प्रपोजल आपने तैयार की थी, वहाँ जो आपने टाइम फ्रेम बताया था, वह टाइम फ्रेम वह जो समय सीमा है वह पूरी हो गई है, या जितना ग्रांट आपको दिया गया था वह ग्रांट जो है अब जो है समाप्त हो गया है, तो अब आपको आगे भी अपने कार्य को संचालित करना है और आपको उसके लिए भी ग्रांट चाहिए, तो आप क्या करते हैं, एक नया प्रपोजल बनाते हैं कि आपको कितना अतिरिक्त समय चाहिए और उस अतिरिक्त समय में आप क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है कंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको उन गतिविधि को संचालित करने में कितनी फंड की आवश्यकता है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि यह जो प्रपोजल होता है उसे नए प्रपोजल की तरह ही प्रोसेस ऑफ अप्रूवल से गुजरना होता है। इसे कहा जाता है कॉम्पीटिंग कॉन्टिन्यूएशन प्रपोजल। हो सकता है कि आपके प्रपोजल को रिन्यू या आपके प्रोजेक्ट वर्क को रिन्यू ना किया जाए, इसीलिए इसे कॉम्पीटिंग कॉन्टिन्यूएशन प्रपोजल कहा जाता है। मान लीजिए कि आप एक ऐसा शोध कार्य कर रहे हैं या शोध परियोजना कार्य कर रहे हैं जो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है, आपको हर साल के लिए ग्रांट सैंक्शन किया जाता है। अब आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपने एक साल आपका पूरा हो गया और एक साल के पूरे होने के पश्चात आप आगामी साल में कौन कौन से शोध, किस किस प्रकार की एक्टिविटी करेंगे और उसमें कितना खर्च आएगा, इन सभी बातों को लेकर के पुनः प्रपोजल बनाते हैं। और साथ ही साथ आपने पिछले साल क्या कार्य किया और आपने आपके कितने पैसे खर्च हुए उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बनाते हैं। यह प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वह रिव्यू कमेटी के समक्ष जो है वह प्रस्तुत की जाती है, उस पर डिस्कशन होता है। यदि रिव्यू कमेटी यह पाती है कि आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वह क्या है, सेटिस्फैक्टरी है, संतोषजनक है, तो आपको यह अवसर प्राप्त होता है कि आप आगे अपने परियोजना कार्य को क्रियान्वित करें। चूंकि यहाँ कॉम्पिटिशन नहीं होता है, सिर्फ आपसे अपेक्षा होती है कि आप अपना शोध कार्य जैसा आपने अपने शोध प्रस्ताव में बताया है उसी तरीके से आप उसे निर्धारित समय सीमा में और जो रिसोर्सेज आपने की ज़रूरत है, जो जिसके लिए आपने रिसर्च प्रपोजल में पहले से ही एक प्लान निर्धारित की होती है, यदि आप उसके साथ अपने कार्य को पूरा कर पा रहे हैं, आपको सिर्फ यह बताना होता है कि यह कार्य संतोषजनक रूप से संचालित हुआ या नहीं हुआ। इस प्रकार हमने जाना कि रिसर्च प्रपोजल जो है वह अलग अलग प्रकार का होता है। अब मैं आप लोगों से यह जानना चाहती हूँ कि आप यह बताइए कि जो आपका जो एकेडमिक रिसर्च प्रपोजल है ना, जो आप एमफिल या पीएचडी रिसर्च प्रपोजल के जो तैयार करते हैं, डिग्री के लिए जो रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं, क्या वो फंडिंग रिसर्च प्रपोजल है? नहीं, वो कैसा प्रपोजल है? वो अप्रूवल रिसर्च प्रपोजल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसर्च प्रपोजल की महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है इस पूरे लेक्चर का। मैं कोशिश करूंगी कि मैं विस्तार पूर्वक प्रत्येक कंपोनेंट का विस्तार कर की व्याख्या करूं ताकि आपको वह समझ में आ सके, और उदाहरण के साथ व्याख्या करूं। सबसे पहली चीज़ है कि सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है टाइटल ऑफ द पेज। टाइटल ऑफ द पेज का अर्थ क्या है कि यह टाइटल पेज है, इसमें प्रपोज टाइटल ऑफ द रिसर्च होता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपका रिसर्च प्रपोजल क्या है, वो प्रपोज्ड रिसर्च वर्क के लिए है। साथ ही साथ चूँकि वो प्रपोज्ड रिसर्च वर्क है तो उसकी टाइटल भी क्या होती है, प्रपोज्ड होती है, तो उसमें सुधार की गुंजाइशें होती हैं। यह जो टाइटल है वह कॉन्साइज होता है, संक्षिप्त होता है, डेस्क्रिप्टिव होता है, इन्फॉर्मेटिव होता है, साथ ही साथ बहुत अट्रैक्टिव भी होता है।
या जो रीडर है या जो इवैल्यूएटर है, उन्हें आपके शोध प्रस्ताव को पढ़ने के लिए क्या करता है, उत्प्रेरित करता है ना। आप इसमें क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, अपना टाइटल का नाम तो लिखते ही हैं, उसके बाद अपना नेम ऑफ द रिसर्चर, सुपरवाइजर, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन का लोगो, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं और एक चीज़ की तरफ इशारा करना चाहूँगी कि जो टाइटल ऑफ द रिसर्च होता है, उस टाइटल ऑफ द रिसर्च में क्या चीज़ें होती हैं, उसमें सबसे पहले आपकी रिसर्च टॉपिक रहती है जो हाईलाइटेड होती है, उसमें वेरिएबल्स हाईलाइटेड होते हैं। यदि क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें वेरिएबल्स आपको दिख रहे होंगे, है ना, पता चलते हैं। या आप क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो कम से कम आपको जो समग्र चर के रूप में आपको वो सोशल सिचुएशन या सोशल फेनोमेनन भी जो है वो वहाँ इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो और यहाँ पर आप रिसर्च मैथडोलॉजी या आपकी जो रिसर्च डिज़ाइन है वो भी हाईलाइटेड रहती है, साथ ही साथ आप जिन पार्टिसिपेंट्स के साथ काम करना चाहते हैं वह भी जो है उसमें प्रदर्शित होता है। मान लीजिए मैं एक रिसर्च टाइटल आपके समक्ष रख रही हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ सीबी यानी सोशियो साइंटिफिक इश्यूज बेस्ड इंस्ट्रक्शन ऑन साइंटिफिक लिटरेसी ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पर इफेक्टिवनेस हम किसी इनोवेटिव स्ट्रैटेजी यानी सीबी का देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर रिसर्च मैथडोलॉजी जो है वो हाईलाइट हो रही है, आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने जा रहे हैं, ठीक है। और आप क्या इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि आप सीबी जो कि एक इनोवेटिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी है उसका आप प्रभाव देखने जा रहे हैं, किस पर, साइंटिफिक लिटरेसी पर देखने जा रहे हैं, तो इसमें वेरिएबल्स भी वेल आइडेंटिफाइड है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है, जो आप टीचिंग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी है वो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसके दो स्तर हैं, है ना, एक जो है जिस पर एक स्तर है आपका सीबी और दूसरा क्या है ट्रेडिशनल मैथड है, ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी है। और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, साइंटिफिक लिटरेसी है, साथ ही साथ यहाँ रिसर्च टॉपिक भी हाईलाइटेड है, आप किस सब्जेक्ट मैटर के तहत कार्य कर रहे हैं, किस रिसर्च टॉपिक के तहत कार्य कर रहे हैं, आप साइंटिफिक लिटरेसी, है ना, इस रिसर्च टॉपिक के तहत काम कर रहे हैं, यह भी इसमें हाईलाइटेड है। साथ ही साथ इसमें यह भी हाईलाइटेड है कि आपके पार्टिसिपेंट्स कौन हैं, अपर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, समझ में आ गया, यह आपके पार्टिसिपेंट्स हैं। तो जब आप टाइटल अपने प्रपोज रिसर्च वर्क का टाइटल जब आप फ्रेम कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके प्रपोज रिसर्च वर्क का टाइटल जो ऐसा हो जिसमें ये सभी बातें जो है समाहित हो, प्रदर्शित हो, ठीक है। अब दूसरा कॉम्पोनेंट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट एंड टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो रिसर्च प्रपोजल है वह बहुत डिटेल्ड होता है, बहुत लॉजिकल होता है, तो जो विशेष रूप से जो एकेडमिक रिसर्च प्रपोजल, मैं मुख्य रूप से एकेडमिक रिसर्च प्रपोजल पर ही चर्चा कर रही हूँ, जो एमफिल पीएचडी के डिग्री के लिए तैयार की जाती है, डिसर्टेशन वर्क के लिए तैयार की जाती है या थीसिस वर्क के लिए तैयार की जाते हैं, यह चूंकि बहुत डिटेल्ड होता है तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप क्या करें, आप एब्स्ट्रैक्ट का भी निर्माण करें। यह एब्स्ट्रैक्ट जो है वो प्री प्रपोजल के रूप में होता है। यह एब्स्ट्रैक्ट किस रूप में होता है, आउटलाइन ऑफ दी प्रपोजल के रूप में होता है, रिसर्च प्रपोजल के रूप में होता है। इसमें आपके रिसर्च प्रपोजल के सभी महत्वपूर्ण सेक्शंस जो हैं वह इंक्लूडेड होते हैं और वह ब्रीफली डिस्क्राइब्ड होते हैं, यह मैंने पहले भी आपको बताया है, ठीक है। आप साथ ही साथ टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स भी बनाते हैं, चूंकि ये बहुत डिटेल्ड है, इसमें जितनी भी आपके सेक्शंस हैं उस टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स में सम्मिलित होते हैं, और आपका टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स यह भी बताता है कि वह कॉन्टेंट जो है वो किस पेज में है, उसका पेज नंबर क्या है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट एंड टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स भी आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उसके बाद अब आपके रिसर्च प्रपोजल की मेन बॉडी शुरू हो रही है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को यदि आप पढ़ते हैं तो यह पता चल जाता है, आपको यह स्पष्ट समझ में आ जाता है कि जो रिसर्चर है वह क्या करने जा रहा है, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, पर्पस ऑफ द स्टडी, जिसे स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस भी कहा जाता है, ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च या कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च, सेंट्रल रिसर्च क्वेश्चंस, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रीफली इंक्लूडेड होती हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन में। मैंने जैसा आपको पहले बताया कि जो फंडिंग प्रपोजल होता है, या जो फंडिंग प्रपोजल होता है उसमें ये सारे सेक्शंस जो होते हैं, है ना, वह इंट्रोडक्शन में ही क्या कर दिए जाते हैं, मर्ज कर दिए जाते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब्ड होते हैं,
किंतु जब आप एकेडमिक डिग्री के लिए आप प्रपोजल का निर्माण कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपसे अपेक्षा होती है कि आप इन सभी सेक्शंस को अलग अलग मेंशन करें और प्रत्येक सेक्शन को आप वृहद रूप से एक्सप्लेन करें, यह आपसे अपेक्षित होता है। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट मैन बॉडी में ही दूसरा इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च। या बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च जो है, इसमें क्या होता है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर सम्मिलित होता है। क्या सम्मिलित होता है? रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर सम्मिलित होता है। अगर आप फंडिंग प्रपोजल बना रहे हैं तब भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अलग से बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च को इस सेक्शन को रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इंट्रोडक्शन के साथ ही इसे आप मर्ज कर दीजिए। बैकग्राउंड, मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च में रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर क्या होता है, समाहित होता है। यह जो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर है, यदि आपने कई शोध अध्ययन की रिव्यू की है, उसका पुनरावलोकन किया है, तो आप चाहें तो आप रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का भी अलग सेक्शन रख सकते हैं। इसमें बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च में मुख्य रूप से दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च। आपको यह बताना होता है कि जिस शोध समस्या से आपका शोध प्रस्ताव जो है वह संबंधित है, वह शोध समस्या जो है वह किस रिसर्च एरिया से जुड़ी हुई है, और उस रिसर्च एरिया में कौन कौन से एमर्जिंग इश्यूज़ हैं, और किन डोमिनेंट इश्यूज़ से आपकी शोध समस्या जो है वह संबंधित है। आप यह भी बताते हैं कि आपका जो प्रस्तावित शोध अध्ययन है या जो शोध समस्या है, वह स्कॉलरली जो लिटरेचर है ना, संबंधित जो शोध साहित्य है, उसमें उसका पोजीशन क्या है, करंट पोजीशन क्या है ना, वो किस प्रकार के शोध अध्ययनों से जुड़ा हुआ है। आपको यह बताना होता है कि उसकी लाइन ऑफ इंक्वायरी क्या है, क्योंकि जिस शोध समस्या पर आप अध्ययन कर रहे हैं वह कोई ऐसी शोध समस्या नहीं है जो कि वैक्यूम में इमर्ज हो रही है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइन ऑफ इंक्वायरी या किसी न किसी संबंधित शोध साहित्य से जुड़ी हुई है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च के केस में ऐसा होता है कि आप एकदम नॉबल थॉट पे काम कर रहे होते, तो ऐसी स्थिति में भी कम से कम आपके पास कुछ पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। कुछ ऐसे शिक्षाविद हैं जो शायद उन्होंने उस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम पर या सोशल सिचुएशन के संबंध में कुछ सोचा हो, तो आप उनके पर्सपेक्टिव को आधार बनाकर आप उस शोध समस्या का को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस अनएक्सप्लोर रियलिटी को क्या कर सकते हैं, उसका व्यापक बृहद अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वह है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। यह मुख्य रूप से क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है। आप जानते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, या तो यहाँ पर आप किसी थ्योरी को टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी थ्योरी के आधार पर जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है उसमें जो समस्या है उसका समाधान कर रहे होते हैं। मान लीजिए कि कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग पैराडाइम है, जो कि एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के रूप में है, आप इसके आधार पर आप क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्शनल मॉडल का निर्माण करते हैं, और इसकी आप इफेक्टिवनेस देखते हैं कि यह कितना प्रभावी है विद्यार्थियों के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को के संवर्धन में। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की क्रिटिकल थिंकिंग उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का संवर्धन करना यह समस्या है, और इसके लिए आपने किसका सहारा लिया, आपने एक ऐसा मॉडल बनाया, इंस्ट्रक्शनल मॉडल बनाया जो कि कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग पैराडाइम पर आधारित है। तो इस प्रकार जो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, तो वह पूरी तरह से क्या, उसका एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है, और उसी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पर वह क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है, प्रॉब्लम जो है, वो ग्राउंडेड होता है, ठीक है। वहीं जब आप गुणात्मक शोध कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आप एक रिलेटिवली अनएक्सप्लोर्ड रियलिटी को आप क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे होते हैं। मान लीजिए आप किसी आदिवासी जनजातीय समुदाय के साथ आप काम करने जा रहे हैं, जिसके संबंध में आपको बहुत अधिक जानकारी, व्यापक अध्ययन नहीं हुआ है, वो बहुत सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, अभी भी यह रिलेटिवली अनएक्सप्लोर्ड है। तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, वहाँ आपके पास जो है कोई साउंड थ्योरेटिकल बेस नहीं होता, आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के साथ जाते हैं, और इनिक पर्सपेक्टिव को लेते हुए वहाँ के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके आधार पर आप उनकी संस्कृति का अध्ययन करते हैं, है ना, उस समुदाय में की जो गत्यात्मकता है उसका आप अध्ययन करते हैं। या फिर ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते, ग्राउंडेड थ्योरी का भी सहारा ले सकते हैं, आप वहाँ की जो सोशल सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क सामने ला सकते हैं, जो कि एक थ्योरी के रूप में एमर्ज होगी, जो कि ग्राउंडेड होती है उस सोशल सिचुएशन में।
तो इस प्रकार जो है आपका जो गुणात्मक शोध है उसमें ऐसी गुंजाइशें होती हैं कि जो सोशल सिचुएशन जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं वो बिल्कुल वहाँ पे वह रिलेटिवली अनएक्सप्लोर्ड हो, आप जो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देने के लिए या उस सोशल सिचुएशन को डिस्क्राइब नए तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए आप क्या करते हैं, आप इस शोध कार्य को करते हैं। कई बार ऐसा भी आपके पास रिसर्च प्रॉब्लम होता है जहाँ जो है थ्योरीज उपलब्ध हैं, लोगों ने इस प्रकार की सोशल सिचुएशन पर काम किया है, अब आप अपने कॉन्टेक्स्ट में उस सोशल सिचुएशन सिमिलर सोशल सिचुएशन का अध्ययन करते हैं और आप इवैल्यूएशन के मोड पे होते हैं, आप ईटिक पर्सपेक्टिव के साथ होते हैं, आप ये देखते हैं कि जो थ्योरेटिकल थ्योरीज पहले से मौजूद हैं है ना, या जो भी डिस्क्रिप्शंस मौजूद हैं क्या, और जो डिस्क्रिप्शन आपको जो रियलिटी आपको प्राप्त हो रही है या जो आप अनुभव जो वहाँ के लोगों का अनुभव है उस कॉन्टेक्स्ट में, उसके बीच में क्या ये दोनों से ये एक दूसरे से मैच करते हैं या दोनों के बीच में व्यापक अंतर है ना, आप इवैल्यूएटिव मोड में होते हैं, तो ये ईटिक पर्सपेक्टिव हो गया। तो आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है वह उसकी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च के अंतर्गत क्या करते हैं, आप सम्मिलित करते हैं। आप यह भी बताते हैं कि आप यहाँ जिस कॉन्सेप्ट्स पर आपका रिसर्च प्रॉब्लम जो है आधारित है उन कॉन्सेप्ट्स को आप डिफाइन करते हैं। आप डिफाइन करते हैं यानी जो ऑथर्स हैं उन्होंने उसको किस प्रकार डिफाइन किया है, और फाइनली आप एक समग्र परिभाषा उन सभी ऑथर्स की डेफिनेशन को समाहित कर देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च जो है उसमें क्या होता है, दो चीज़ें हो गई, एक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च और दूसरा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर भी इसका हिस्सा होता है। जब आप ये बताते हैं कि स्कॉलरली लिटरेचर में कहाँ आपका आपकी रिसर्च जो प्रपोज रिसर्च है स्टैंड करती है, तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का आप सहारा ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर को अलग से स्थान दे सकते हैं। अब हम जानेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या होता है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम को समझने से पहले आपको यह जानना होगा कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस रिसर्च एरिया में आपको आप एक्सप्लोर कर रहे हैं उसमें कई एमर्जिंग इश्यूज हैं, उसमें से कुछ ऐसे डोमिनेंट इश्यूज हैं जो रिसर्चर को क्या करता है, ड्राइव करता है ना, उसे उत्प्रेरित करता है कि वह उसमें शोध अध्ययन करे। तो यह जो इश्यू है वह क्या बन जाती है, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम बन जाती है। यह रिसर्च प्रॉब्लम कोई स्कॉलरली लिटरेचर में कोई रिसर्च गैप हो सकता है, थ्योरी या प्रैक्टिस में कोई गैप हो सकता है, कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, और रिसर्चर ये फील करता है कि इस डेफिशिएंसी को यदि दूर कर दिया जाए तो जो एजुकेशन सिस्टम है वह बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है, तो वह आपकी सोच समस्या बन जाती है। सोच समस्या को समझने के लिए इसके समानांतर जो अन्य शब्द हैं उससे इसकी तुलना करने की ज़रूरत है। जैसे रिसर्च फील्ड क्या होता है, रिसर्च एरिया क्या होती है, रिसर्च टॉपिक क्या होता है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है वह अचानक से नहीं आता, यू स्टार्ट फ्रॉम द ब्रॉड रिसर्च फील्ड, है ना। आपका जो रिसर्च फील्ड है वह एक तरह से आपका विषय पत्र है। मान लीजिए कि मैं साइंस एजुकेशन की विद्यार्थी हूँ तो मेरे लिए जो ब्रॉड रिसर्च फील्ड है वो क्या है, साइंस एजुकेशन है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या है, दूसरी चीज़ क्या हो वहाँ पे आ रही है, इस साइंस एजुकेशन के अंतर्गत कई रिसर्च एरियाज हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से मैं कोई जो मेरा इंटरेस्टिंग रिसर्च एरिया है या जिसके जिसके संबंध में मुझे कुछ अनुभव पहले से प्राप्त है, मैं उस रिसर्च एरिया को क्या कर लेती हूँ, अपने शोध अध्ययन में सम्मिलित करती हूँ। मान लीजिए इसमें जो साइंटिफिक जो मैंने साइंस एजुकेशन की बात की, इसमें क्या क्या रिसर्च एरिया हो सकते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी एजुकेशन, साइंस फॉर एजुकेशन, साइंस एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, यहाँ पे साइंस करिकुलम, असेसमेंट इन साइंस, साइंस प्रोसेस स्किल्स, इस तरह से जो है कई प्रकार के रिसर्च एरिया हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो एमर्जिंग रिसर्च एरिया है वह क्या है, वह है आपका एसटीएस एजुकेशन। तो अब मैं क्या करती हूँ, एसटीएस एजुकेशन को अपने शोध में सम्मिलित कर लेती हूँ। अब यह जो एसटीएस एजुकेशन है वह रिसर्च एरिया है, इसके अंतर्गत कई रिसर्च टॉपिक्स हो सकते हैं। मान लीजिए इसके अंतर्गत जो है साइंटिफिक लिटरेसी है, इसके अंतर्गत पॉपुलर साइंस है, इसके अंतर्गत जो है
इंटीग्रेटेड लर्निंग है, मॉडल ऑफ साइंस लर्निंग है, इसके अंतर्गत हो सकता है कि हम बात कर रहे हों, इंडिजिनस या इकोलॉजिकल नॉलेज सिस्टम है, इस प्रकार जो है कई इसमें रिसर्च टॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें से एक ऐसे रिसर्च टॉपिक को ले लेती हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है या जिससे मेरा अनुभव जुड़ा हुआ है, जो आपको लगता है कि अभी के सिनेरियो में प्रेजेंट बीच में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई हैं, मैं इसको आगे विस्तार कर रही हूँ। अभी मैंने चर्चा किया कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए जो अन्य रिसर्च प्रॉब्लम है, अन्य जो समानांतर जो टर्मिनोलॉजीज है उसके साथ इसे कंपेयर करने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो साइंटिफिक लिटरेसी है ना, यह जो रिसर्च टॉपिक है वह मैंने ले लिया क्योंकि यह एक वाइटल रिसर्च टॉपिक है। इसके अंतर्गत जो है कई रिसर्च प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्या क्या रिसर्च प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि जो विद्यार्थी हैं उनकी जो साइंटिफिक लिटरेसी का लेवल है वह बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि जिस तरीके से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है वे विद्यार्थी जो हैं साइंटिफिक लिटरेसी डेवलप नहीं कर पाते। या इसका दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि जिस तरीके से जो जिन करिकुलर मटेरियल्स का उपयोग विद्यार्थी जो है विद्यार्थियों के लिए किया जाता है वह जो करिकुलर मटेरियल्स हैं वे वह प्रभावी नहीं हैं। हो सकता है कि जो विद्यार्थियों की जो रिफ्लेक्टिव जजमेंट एबिलिटी है वह रिफ्लेक्टिव जजमेंट एबिलिटी जो है वह उनकी बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से उनकी साइंटिफिक लिटरेसी कम है। उनकी जो आर्ग्यूमेंटेशन एबिलिटी है वह कम है, जिसकी वजह से उनकी साइंटिफिक लिटरेसी कम है। इस प्रकार आप देखते हैं कि एक रिसर्च टॉपिक में कई रिसर्च प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब आप इसमें से एक ऐसे रिसर्च प्रॉब्लम का चुनाव करते हैं जो रिसर्च प्रॉब्लम जो है वह क्या होता है, जिसमें आपको नज़र आता है कि कुछ ना कुछ गैप है और आपको यह नज़र आता है कि यह वर्तमान जो संदर्भ में या वर्तमान जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं उनसे यह जुड़ता है, रिलेवेंट है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है उसमें अब आपको ये समझ तो आ ही गया होगा कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है। अब स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम पर हम चर्चा करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि एक्चुअल रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हम बताते हैं, हम यह भी बताते हैं कि जिस रिसर्च एरिया से यह रिसर्च प्रॉब्लम संबंधित है ना, उस रिसर्च एरिया में कौन कौन से इश्यूज़ हैं और किन इश्यूज़ से है ना आपकी जो शोध समस्या है या शोध अध्ययन है वह उससे कनेक्टेड है। उसके बाद हम ये बताते हैं कि आप उसको जस्टिफाई करते हैं और उसके जस्टिफिकेशन के लिए आप स्टडीज़ का सहारा लेते हैं जो कि स्कॉलरली लिटरेचर में मौजूद होता है, या फिर प्रैक्टिस में भी जो आपके अनुभव होते हैं उसके आधार पर भी आप उसको क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, उसके इम्पॉर्टेंस को जस्टिफाई करते हैं। साथ ही साथ आप स्कॉलरली लिटरेचर में क्या रिसर्च गैप है जिससे आप कि आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है वह जुड़ा हुआ है, उस रिसर्च गैप को बताते हैं। उसके बाद आप यह भी बताते हैं कि मेथड्स में यानी आप किस सेटिंग पे काम करने वाले हैं, किन पार्टिसिपेंट्स के साथ काम करने वाले हैं, किस प्रकार के रिसर्च डिज़ाइन का आप उपयोग करने वाले हैं, यह भी जो है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम का हिस्सा बनता है। साथ ही साथ आप यह भी बताते हैं कि वे कौन से लोग हैं व कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके शोध कार्य से है ना के परिणामों से उसे फ़ायदा होने वाला है, उसे लाभ पहुँचने वाला है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में ये सारी चीज़ें जो है सम्मिलित होती हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम को मैं कुछ इस प्रकार बता सकती हूँ, इन इंडिया द लेवल ऑफ साइंटिफिक लिटरेसी इज़ वेरी लो बिकॉज द वे साइंस इज टॉट इन द स्कूल डज नॉट सेंसिटाइज द लर्नर्स टूवर्ड्स द साइंटिफिक इश्यूज और द सोशल प्रैक्टिस और रियल लाइफ प्रैक्टिस इन विच साइंस कॉन्सेप्ट आर अप्लाइड। It is more or less lecture-oriented and does not engage the learners in the activities focusing on scientific issues. Hence, an empirical study is required to assess the effectiveness of
सोशियो साइंटिफिक इश्यू बेस्ड इंस्ट्रक्शन ऑन साइंटिफिक लिटरेसी ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन. इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एक्सप्लोर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक लिटरेसी अमंग द लर्नर्स. यस, इस प्रकार जो है आप क्या कर सकते हैं, अब प्रॉब्लम को स्टेट कर सकते हैं या स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम का निर्माण कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम यह जानेंगे कि पर्पस ऑफ द स्टडी क्या है. आपका जो पर्पस ऑफ द स्टडी है वह क्या होता है, ये लॉजिकली फ्रेम फ्लो होता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम से. आपका पर्पस ऑफ द स्टडी या स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस जो है वह स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम पर में क्या होता है, ग्राउंडेड होता है. यह आपके रिसर्च स्टडी के ओवरऑल इंटेंट या ओवरऑल पर्पस को बताता है या बताता है कि रिसर्चर क्या करने जा रहा है, व्हाट रिसर्चर होप्स टू अकॉम्प्लिश. ठीक है, यह एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंस होता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा. यह क्या होता है, एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंस होता है और यह कुछ इस तरह शुरू होता है, द पर्पस ऑफ द रिसर्च इज टू डिटरमाइन डिस्क्राइब एक्सप्लेन एंड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट. तो यहाँ जो डिटरमाइन है, डिस्क्राइब है, एक्सप्लेन है, यह क्या एक्शन वर्ब है. आप इसके साथ आसानी से किसी भी रिसर्च वर्क या रिसर्च प्रपोजल में सर्च कर सकते हैं कि क्या उस रिसर्च वर्क या रिसर्च प्रपोजल में शोधकर्ता या शोधार्थी ने पर्पस ऑफ स्टेटमेंट का निर्माण किया है या नहीं. जो पर्पस ऑफ स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कम से कम एक से अधिक रिसर्च क्वेश्चन या एक से अधिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव को बनाने की क्षमता होती है, के निर्माण की क्षमता होती है. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है, इन रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम स्टेटेड अबव, द पर्पस ऑफ द स्टडी इज टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ SSI based instruction, यानी socio scientific issue based instruction on scientific literacy of upper primary school children. It is also proposed to explore the process of development of scientific literacy among upper primary school children during the intervention of SSI based instruction. इस प्रकार जो है आप statement of the purpose को एक single comprehensive sentence में समाहित कर सकते हैं. मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि पर्पस ऑफ द स्टडी के अंतर्गत ही आप क्या करते हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशंस और रैशनल ऑफ द स्टडी को स्थान देते हैं. जो आपका जो ऑपरेशनल डेफिनेशंस होता है वह क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रोसीड्योर है, जहाँ जो वेरिएबल्स आपने आइडेंटिफाई किया है आप उसको अपने कॉन्टेक्स्ट के अनुसार क्या करते हैं, ऑपरेशनली डिफाइन करते हैं. ठीक है, आप यहाँ पर क्या इस स्टेज में आप ऑपरेशनल डेफिनेशन को रख सकते हैं या फिर आप जो है इसको सेपरेटली क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं और इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. आप इस स्टेज में रैशनल ऑफ द स्टडी, इस स्टेज में क्या करते हैं, आप रैशनल ऑफ द स्टडी को भी इंक्लूड कर सकते हैं. रैशनल ऑफ द स्टडी क्या है इसके संबंध में हम आगे जान लेंगे. यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, रैशनल ऑफ द स्टडी और ऑपरेशनल डेफिनेशंस को क्या किया है, रेड कलर से हाईलाइट किया है. यह बताता है कि ये जो ऑप्शंस हैं वह क्या है, ये सभी जो यह आपके लिए ये सारे सेक्शन जो हैं वो ऑप्शनल हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर को बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च के अंतर्गत ही रख दिया था. यदि आपको लगता है कि आपने व्यापक संख्या में रिव्यूज़ को स्टडी के संबंधित शोध साहित्य की का पुनरावलोकन किया है, तो ऐसे स्थिति में आप रिव्यू ऑफ द लिटरेचर का अलग सेक्शन बना सकते हैं. रैशनल ऑफ द स्टडी या जिसको जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी भी कहा जाता है, यह जो है आप पर्पस ऑफ द स्टडी या स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस के अंतर्गत भी रख सकते हैं या स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम के अंतर्गत भी रख सकते हैं. वह तो मैंने आपको पहले भी बताया है जब मैंने इन सेक्शंस का वर्णन किया था, किंतु आप इसे अलग से भी हाईलाइट कर सकते हैं. यह छूट जो है आपको एकेडमिक प्रपोजल के निर्माण में होती है. रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर या रिव्यू ऑफ द लिटरेचर में हम किस चीज़ का ध्यान रखते हैं, या इसमें जो है बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च या कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च जो है वेल हाईलाइटेड होना चाहिए. रिसर्च की नीड क्या है यह भी हाईलाइटेड होनी चाहिए. ठीक है, और यह भी बताना चाहिए कि रिसर्चर अपने जिस रिसर्च एरिया पर कार्य कर रहा है या जिस शोध समस्या पर के संबंध में कार्य कर रहा है उसे उसकी कितनी गहन समझ है, क्या उसे उसकी गहन अंतर्दृष्टि है या नहीं है, यह भी यह प्रदर्शित कर आपको प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है. रैशनल ऑफ द स्टडी के अंतर्गत आप क्या बताते हैं कि इस रिसर्च की नीड क्या है
और आप जस्टिफाई करते हैं जो भी स्कॉलरली लिटरेचर में स्टडीज़ हैं उसके माध्यम से, और अपनी जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या फिर आपके जो एकेडमिक एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से आप जस्टिफाई करते हैं कि सचमुच इसकी नीड है, इसकी इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी नोवेल्टी क्या है, इसका रिलेवेंस क्या है या कितना इम्पॉर्टेंट है ना, ये सारी चीज़ें जो है आप रैशनल ऑफ द स्टडी में समाहित करते हैं, सम्मिलित करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या है। ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या होता है? यह स्टेटमेंट ऑफ प्रोसीड्योर कहलाता है। याद रखिए मैंने कौन कौन से स्टेटमेंट का जिक्र किया, मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बोला, मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोला, अब ये जो ऑपरेशनल डेफिनेशन है वह भी एक तरह का स्टेटमेंट है और इसे स्टेटमेंट ऑफ मैथड्स या प्रोसीड्योर कहा जाता है। यह बताता है कि आपने जिस वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया है या जिस वेरिएबल्स का आप अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें अपने रिसर्च कॉन्टेक्स्ट में आप किन आयामों का अध्ययन करेंगे। मान लीजिए मैं साइंटिफिक लिटरेसी को एक वेरिएबल मानती हूँ तो इसके अंतर्गत मैं किन आयामों का अध्ययन कर रही हूँ। हो सकता है मैं रिफ्लेक्टिव जजमेंट का अध्ययन कर रही हूँ, मैं आर्ग्यूमेंटेशन का अध्ययन कर रही हूँ, मैं नेचर ऑफ साइंस अंडरस्टैंडिंग का अनुभव का अध्ययन कर रही हूँ। ऐसे कई अन्य आयाम हो सकते हैं किंतु मैं निर्धारित करूंगी कि मैं किन आयामों का को उस वेरिएबल के या उस कॉन्स्ट्रक्ट के अंतर्गत सम्मिलित करूंगी। साथ ही साथ मैं यह भी बताती हूँ कि मैं इस वेरिएबल को या इस कॉन्स्ट्रक्ट को कैसे मेजर करूंगी। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन में आप यह बताएंगे कि वेरिएबल्स जो है या जो जो कॉन्स्ट्रक्ट है जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं उसमें कौन कौन से आयाम सम्मिलित हैं और आप इन आयामों को किस प्रकार आप इसका मापन करेंगे, इसका अध्ययन या विश्लेषण करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। ये हाइपोथेसिस जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च में निर्माण की जाती है, क्वालिटेटिव रिसर्च में इसका निर्माण नहीं होता, इसलिए मैंने एंड और लिखा है। रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ये भी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स किस प्रकार आते हैं, इसको आप कैसे आप कहाँ किस प्रकार और कब ये कहाँ जो है इसका निर्माण किया जाता है इसके संबंध में जानते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ स्टेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, जब आप रिसर्च प्रॉब्लम को क्या करते हैं परिभाषित कर रहे होते हैं उस वक्त आपके या फिर जब आप रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं उस वक्त आपके जहन में कई क्वेश्चंस जो है पजल करते हैं, है ना, कई क्वेश्चंस अराइज होते हैं। यह क्वेश्चंस जो है रिसर्च क्वेश्चंस कहलाते हैं जो कि आपको उस शोध में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, ठीक है। अब आप जो रिसर्च क्वेश्चंस, आपने जिन रिसर्च क्वेश्चंस का निर्माण किया है उन रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आप क्या करते हैं, आप कुछ इंटेंडेड टास्क को प्लान करते हैं। यह टास्क कैसा टास्क होता है, अचीवेबल टास्क होता है और यह क्या कहलाता है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कहलाता है। यह टास्क क्या कहलाता है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कहलाता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए, यानी ये स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रिसर्चेबल होना चाहिए और टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए। तो रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए जिन इंटेंडेड टास्क का आपने निर्माण किया है वह रिसर्च ऑब्जेक्टिव कहलाता है और यह अचीवेबल होता है, मेजरेबल होता है। उसके बाद आप यदि क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो हाइपोथेसिस का भी निर्माण करते हैं और ये हाइपोथेसिस क्या होती है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होती है, फॉर्मल आइडियाज होते हैं। इसमें जो भी जो वेरिएबल्स आपने क्या किया आइडेंटिफाई किए हैं उन वेरिएबल्स के मध्य आप या तो सहसंबंध या फिर आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का क्या करते हैं के रूप में आप उसे परिभाषित करते हैं और आप इस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। तो हाइपोथेसिस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च प्रॉब्लम कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है यह आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक उदाहरण रखना चाहती हूँ। मान लीजिए कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, आपका रिसर्च प्रॉब्लम तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि मैं यह देखना चाहती हूँ कि किस प्रकार की इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज का उपयोग किया जाए जिसकी वजह से विद्यार्थियों की अपर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन जो है उनकी साइंटिफिक लिटरेसी को बढ़ावा दिया जा सके, उसको संवर्धित किया जा सके। इसके लिए मैंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को चुना। तो इसमें जो है रिसर्च क्वेश्चन क्या आया, क्या सीबी या सोशियो साइंटिफिक इश्यू बेस्ड इंस्ट्रक्शन विद्यार्थियों की साइंटिफिक लिटरेसी या वैज्ञानिक साक्षरता को बढ़ाने में सार्थक होगी या सार्थक है, यह आपका रिसर्च क्वेश्चन हो गया। अब आप इसके लिए क्या रिसर्च ऑब्जेक्टिव का निर्माण कर सकते हैं, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह से हो सकती है, टू कंपेयर द मीन साइंटिफिक लिटरेसी स्कोर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप टॉट बाय सीबी एंड दैट ऑफ
यानी मीन स्कोर ऑफ द कंट्रोल ग्रुप टॉट बाय लेक्चर लेक्चर मेथड. यस, यू आर कंपेयरिंग. तो यह एक टास्क की तरह दिख रहा है और इसके लिए आप रिसर्च हाइपोथेसिस में डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं, जहां बताते हैं कि द मीन स्कोर ऑफ मीन साइंटिफिक लिटरेसी स्कोर ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विच इज टॉट बाय सीबी इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द कंट्रोल ग्रुप टॉट बाय लेक्चर मेथड. तो इस प्रकार जो है आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च हाइपोथेसिस एक दूसरे से जुड़े होते हैं. यह एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके रिसर्च प्रपोजल का, क्योंकि जब भी आपने कभी शोध प्रस्ताव या अपने शोध कार्य का प्रस्तुतिकरण किया हो तो आपसे यह कहा जाता है कि आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस कीजिए, आप अपने हाइपोथेसिस पे फोकस कीजिए. तो आपको उस दौरान ये समझना होगा कि यह आपको प्रस्तुत करना होगा, बताना होगा कि किस प्रकार ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं. अब इसके बाद आप रिसर्च डिज़ाइन पर विचार करते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया कि रिसर्च डिज़ाइन जो है वह क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल का एक हिस्सा होता है जो रिसर्च क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए प्लान किया जाता है. ठीक है, यह प्लान ऑफ मेथड्स एंड प्रोसीड्योर्स होता है, यह एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो रिसर्चर को क्या करता है, सहयोग करता है कि किस प्रकार के रिसर्च मेथड्स, रिसर्च प्रोसेसेस, किस प्रकार के टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस का चयन किया जाए, है ना. यह रिसर्चर को क्या करता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है, यह एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है. अब किस किस तरह के रिसर्च डिज़ाइन हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका जो रिसर्च डिज़ाइन है वो क्वांटिटेटिव हो सकता है कि आपका रिसर्च डिज़ाइन क्वालिटेटिव हो, मिक्स मैथड रिसर्च डिज़ाइन हो. तो आपको ये तय करना है कि आप किस प्रकार के रिसर्च डिज़ाइन को ले रहे हैं. यदि आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को लिया है, उसके अंतर्गत आप सोच लीजिए, यदि आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन ले रहे हैं तो उसमें आपको यह भी बताना होता है कि थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी क्या है, जिसे कि आप एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, और आप इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को किस प्रकार कंट्रोल करेंगे, क्या आप उसे फिजिकली कंट्रोल करने वाले हैं, क्या आप उसे रैंडमाइजेशन के थ्रू कंट्रोल करने वाले हैं, या सेलेक्टिव कंट्रोल करने वाले हैं, या स्टैटिस्टिकली कंट्रोल करने वाले, ये सारी बातें जो हैं आप वहाँ प्रस्तुत करते हैं. साथ ही साथ आप बताते हैं कि आपका रैंडमाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा, क्या आप पॉपुलेशन से जो सैंपल है उसको रैंडमाइजेशन के साथ सेलेक्ट करेंगे, रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, क्या आप इसे दो ग्रुप में रैंडमली असाइन करेंगे, क्या आप इन दो ग्रुप में जो ट्रीटमेंट है उसको रैंडमली असाइन करेंगे. तो ये सारी जो प्रोसेस ऑफ रैंडमाइजेशन है इसे भी आपको बताना होता है, यानी उस रिसर्च डिज़ाइन को आपको एक मैथमेटिकल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना होता है. क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जो है, अब मान लीजिए आप क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन पर हैं, तो आप किस किस प्रकार के क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड को यूज़ कर सकते हैं. एथनोग्राफी हो सकती है, फेनोमेनोलॉजी हो सकती है, नैरेटिव इंक्वायरी हो सकती है, डिस्कोर्स एनालिसिस हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, तो आप इसमें से किसी एक मेथड को सिलेक्ट करते हैं या एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड को सिलेक्ट करते हैं अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए. आप मिक्स्ड रिसर्च मेथड का भी सहारा ले सकते हैं. मिक्स रिसर्च मेथड में क्या होता है, मिक्स रिसर्च मेथड में ट्रायंगुलेशन है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है या एक्सप्लोरेटरी है, या फिर एम्बेडेड रिसर्च डिज़ाइन है या रिसर्च मेथड है, आप इसके बारे में बताते हैं. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी आप कोई रिसर्च डिज़ाइन ले रहे हैं तो उसके पीछे जो है व्यापक एक क्या है, उसका एक रैशनल है, एक औचित्य है. उस औचित्य को भी आप क्या करें, प्रदर्शित करें कि उस रिसर्च मेथड को या रिसर्च प्रोसीड्योर को सेलेक्ट करने का रैशनल क्या है. यह एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल की खासियत होती है. और आप एक डिटेल्ड, एक लॉजिकल रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं एमफिल या पीएचडी की डिग्री के लिए, तो आप वहाँ यह ज़रूर सम्मिलित करें कि आपने किसी पर्टिकुलर रिसर्च डिज़ाइन या मेथड या प्रोसीड्योर को क्यों सेलेक्ट किया है. अब हम जानेंगे कि सैम्पलिंग है ना, सैम्पलिंग की तकनीक जो है वह किस प्रकार की होती है, क्या क्या होती है. आप कोई ना कोई सैंपल लेंगे, आप पूरे पॉपुलेशन का स्टडी भी कर सकते हैं, यदि पॉपुलेशन जो है वो लिमिटेड है तो आप कर सकते हैं, किंतु आप पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी बड़ा है तो आप उस सभी को नहीं ले सकते. तो आपको क्या करना है, आप उससे सैंपल लेंगे. तो जब आप सैंपल उससे ड्रॉ करेंगे तो वो कौन कौन सी तकनीक होगी, और रिसर्च की जो डिज़ाइन है उसके अनुसार जो है सैंपल की तकनीक भी बदल जाती है. जैसे आप यदि क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का सहारा लेते हैं, है ना, लार्ज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स जो है आप सेलेक्ट करते हैं. आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो आप पर्पसिव और कन्वीनियंट सैम्पलिंग का सहारा लेते हैं.
आपको आपके पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को वेल स्पेसिफाई करना होता है। मान लीजिए मैंने ये कहा कि मैं अपनी स्टडी में अपर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन के साथ काम करने वाली हूँ, तो वहाँ अपर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन ही होंगे मेरे पॉपुलेशन, वह उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। यदि मैं सरकारी विद्यालयों के अपर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन पे कार्य करने वाले, तो मेरे पास दो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, एक कि जो बच्चे हैं वो अपर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन हो, और दूसरी चीज़ कि वो सरकारी विद्यालयों में हो। ठीक है, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन को वेल स्पेसिफाई करना होता है। साथ ही साथ आपको टेक्निक्स ऑफ सैंपल को भी वेल स्टेट करना होता है कि आप किस टेक्निक का सहारा ले रहे हैं और उस टेक्निक की प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से आप उस सैम्पलिंग टेक्निक को क्रियान्वित करेंगे, यह भी आपको बताना होता है। साथ ही साथ आप सैंपल साइज को भी आप मेंशन करते हैं। अमूमन जब आप सर्वे रिसर्च कर रहे होते हैं या क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन की साइज़ के अनुसार और कॉन्फिडेंस जो लेवल आपने तय किया होता है उसके अनुसार क्या करते हैं, सैंपल साइज जो है उसके लिए एक व्यापक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले के अनुसार आप क्या करते हैं, सैंपल साइज निर्धारित करते हैं। आपने जो भी सैंपल साइज लिया है, आप लेना चाहें सॉरी जो आप प्रस्तावित शोध कार्य के लिए आप लेंगे, उसे आप जो है यहाँ मेंशन करते हैं। साथ ही साथ आप जिस संस्था या जिन लोगों से या जिस समुदाय से सैंपल लेना चाहते हैं, आप उनसे कॉन्सेंट कैसे प्राप्त करेंगे, उस डिटेल्ड प्रोसीड्योर को भी मेंशन करते हैं। ये आपके लिए ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि हर जो है रिसर्च प्रपोजल में होता है, किंतु एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल, एक लॉजिकल रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं, तो आप इस बात को भी उसमें सम्मिलित करें कि डिटेल्ड प्रोसीड्योर क्या होगा कॉन्सेंट प्राप्त करने का। मैं यहाँ अपना एक अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि मैं यहाँ वर्धा में आनंद निकेतन विद्यालय के साथ कार्य कर रही थी, जो कि नई तालीम समिति के द्वारा क्या है संचालित होती है। तो जब मुझे वहाँ कॉन्सेंट लेना हुआ, तो मुझे इस कॉन्सेंट लेटर जो है सबसे पहले नई तालीम समिति को देना पड़ा। तब मुझे वहाँ पता चला कि जब तक नई तालीम समिति अप्रूवल नहीं करेगी, तब तक यह आनंद निकेतन विद्यालय के प्रिंसिपल या डायरेक्टर तक नहीं जाएगा। फिर उनके पास वो जो है कॉन्सेंट लेटर गया, उसके बाद जो है कॉन्सेंट लेटर के लिए रिक्वेस्ट गया, और फिर जो है जो मेरा प्रपोजल है उनकी कमिटी, अपनी जो इंटरनल कमिटी है नई तालीम समिति की, जो की अपनी कमिटी है, उसकी कमिटी के मेंबर्स के समक्ष जो है मेरा प्रपोजल जो है डिस्कस किया गया। और जो प्रपोजल जब डिस्कस किया गया, वहाँ जब मुझे अप्रूवल प्राप्त हुआ, उसके बाद मुझे कॉन्सेंट लेटर मिला कि हाँ मैं वहाँ जाकर आंकड़े एकत्रित कर सकती हूँ, वहाँ के शिक्षक वहाँ के विद्यार्थियों से संवाद स्थापित कर सकती हूँ। तो यह जो है, ये जो डिटेल्ड प्रोसीड्योर है, यह आपको पहले से स्पेकुलेट कर लेनी है कि जिस समुदाय या जिस संस्था के पास से आपको सैंपल लेना है ना, जिनसे आपको आंकड़े एकत्रित करने हैं, उन तक पहुँचने का रास्ता क्या होगा, और किस प्रकार आप उनसे कॉन्सेंट जो है वह प्राप्त करेंगे, है ना, यह भी आपको बताना होता है। एक और चीज़ है कि जिस सैम्पलिंग तकनीक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि उसमें कोई लिमिटेशंस हैं, है ना, आप क्यों उसका चयन कर रहे हैं, उसका रैशनल आप जरूर दीजिए, उसका औचित्य दीजिए आपको बताना होगा, है ना। साथ ही साथ आपको यह भी बताना होगा कि उसके क्या लिमिटेशंस हैं। मान लीजिए कि आप सर्वे रिसर्च करने वाले हैं और अभी COVID-19 का पैंडेमिक सिचुएशन है, इस पैंडेमिक सिचुएशन में आपको लार्ज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं मिल पाएगा। जो भी आपको आसानी से उपलब्ध होगा, आप उन्हीं को अपने सैंपल में क्या कर सकते हैं, संकलित उन्हें प्रवेश दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपके लिमिटेशन आपको बतानी होगी। ये लिमिटेशन जो है ऑलरेडी आप जो है स्पेकुलेट कर लेते हैं आपके रिसर्च प्रपोजल में, कि आप भले ही सर्वे रिसर्च करने के लिए प्रस्तावित हैं, किंतु आपका जो जो सैंपल है वह लार्ज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल शायद ना हो। ठीक है, आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग का इस्तेमाल करें। मान लीजिए कि आप नई तालीम समिति के द्वारा जो भी विद्यालय जो है जहाँ इंटरवेंशन चल रहा है, वर्धा के जिला प्राथमिक विद्यालय जो है जहाँ इंटरवेंशन किया जा रहा है, उनकी अधिगम की संस्कृति का अध्ययन करना चाहते हैं। अब चूंकि आप जो है साइंस के स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, तो आपने साइंस के टीचर से अच्छे कॉन्टैक्ट हैं आपके, और आपने उनको अपने शोध कार्य में सम्मिलित कर लिया, सैंपल के रूप में सम्मिलित कर लिया। तो यहाँ पर ये क्या है, कन्वीनियंट सैम्पलिंग है। हो सकता है कि आपको अन्य विषय के यदि शिक्षकों को आप सैंपल के रूप में सम्मिलित करते, तो उनसे जो आपको आंकड़े प्राप्त होते, वह जो आंकड़े हैं उस परिस्थिति को या उस सोशल सिचुएशन को अध्ययन को समग्र रूप से अध्ययन करने में आपकी सहायता प्रदान करते।
तो इस प्रकार जो है आप सैम्पलिंग की जिस तकनीक का आप प्रयोग करने वाले हैं उसका उसका औचित्य भी आप देते हैं, साथ ही साथ उसकी लिमिटेशंस क्या है इसके संबंध में भी आप बताते हैं। अब हम इंस्ट्रूमेंटेशन का जिक्र करेंगे कि किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस इंस्ट्रूमेंट्स का आउटलाइन जो है आपको प्रस्तुत करना होता है। हो सकता है कि आप पहले आप जिस इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करने वाले हैं वह इंस्ट्रूमेंट्स पहले से मौजूद हो, तो आप उसका रैशनल देंगे कि आपने किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को क्यों चुना। साथ ही साथ आप यह भी बताएंगे कि उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का वैल्यू की वैल्यू क्या है। यदि आपकी स्टडी जो है एक प्रारंभिक शोध कार्य है तो वहाँ जो रिलायबिलिटी है और वैलिडिटी की जो वैल्यू अगर थोड़ी कम भी हो उसके बावजूद जो है आप उस टूल का उपयोग कर सकते हैं। किंतु यदि वह जो शोध क्षेत्र है या वह जो संबंधित शोध साहित्य जो है वेल एस्टैब्लिश्ड है उस पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक को लेकर के, तो आपकी आप ऐसे शोध उपकरण का उपयोग करेंगे जिसकी रिलायबिलिटी या वैलिडिटी की जो वैल्यू है वह क्या होगी, वह अधिक होनी चाहिए, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ यदि आप जो है अपने शोध कार्य के लिए स्वयं जो है इंस्ट्रूमेंट्स का निर्माण करने वाले हैं तो आप पहले यह जानकारी लें कि पहले से कौन कौन से शोध उपकरण मौजूद हैं। आप उनकी आइडियाज़ के आधार पर आप अपने शोध कार्य के लिए क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट का शोध उपकरण का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं जो इंस्ट्रूमेंटेशन से जुड़ी हुई हैं। आपको और उस पूरे प्रोसीड्योर कि किस प्रकार आप जो है रिसर्च टूल जो है डेवलप करेंगे, किस प्रकार उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को इस्टेब्लिश करेंगे, ये सारी बातें जो है आप इंस्ट्रूमेंटेशन के कंपोनेंट में आप समाहित करते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव वाइज सिलेक्शन डेवलपमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका अर्थ ये है कि आप जो है मान लीजिए आपने अपने शोध कार्य में 3 या 4 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं और आप प्रत्येक रिसर्च ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए किस रिसर्च टूल को डेवलप करेंगे या रिसर्च टूल का सिलेक्शन कर रहे हैं वह आपको बताना होता है। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जो है यह रिसर्च ऑब्जेक्टिव वाइज करें। ठीक है, डेटा कलेक्शन के लिए आप क्या करते हैं, आप एक जनरल प्लान जो आपका होगा उसकी एक आउटलाइन देते हैं कि आप किस प्रकार डेटा कलेक्ट करेंगे, आपके एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसीड्योर क्या होगा, है ना। आप जो सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करने वाले हैं या आप ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं वो यह ऑब्जर्वेशन जो है आप किस प्रकार जो है क्रियान्वित करेंगे, यह इसका जो है एक जनरल इसका एक जनरल आउटलाइन आपको जो है रिसर्च प्रपोजल के अंतर्गत इस सेक्शन में सम्मिलित करना होता है। डेटा एनालिसिस में क्या है, या तो यदि क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का उपयोग कर रहे हैं, उसमें डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, उसमें आपकी इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो सकती है। तो आप जो है उन दोनों प्रकार की जो स्टैटिस्टिक्स है उसका जिक्र कीजिए कि किस स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करेंगे, और यहाँ भी आप रैशनल बताइए कि आप किसी पर्टिकुलर तरह की जो स्टैटिस्टिकल तकनीक है उसका उपयोग क्यों कर रहे हैं, है ना, और ये किस प्रकार एक सटीक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है आपके शोध कार्य में जो आंकड़े आपको प्राप्त हुए हैं उसके एनालिसिस के लिए। आप कोडिंग प्रोसीड्योर का उपयोग कर सकते हैं, मान लीजिए आप कंटेंट एनालिसिस करते हैं, जो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट आपको प्राप्त होती है उसकी कंटेंट एनालिसिस करते हैं, तो आप जिस कोडिंग प्रोसीड्योर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे उस प्रोसीड्योर को आप उसका भी एक आउटलाइन देंगे। आप ट्रायंगुलेशन करते हैं गुणात्मक शोध में, तो इस ट्रायंगुलेशन के प्रोसीड्योर का भी आप क्या करते हैं, एक आउटलाइन आपके डेटा एनालिसिस सेक्शन में आप अपनी रिसर्च प्रपोजल में सम्मिलित करते हैं। अब इसके बाद आप लिमिटेशंस और डीलिमिटेशंस ऑफ द स्टडी पर काम करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी जो है वह मुख्य रूप से पोटेंशियल वीकनेसेस ऑफ द स्टडी होती है। लोग कहते हैं कि रिसर्च प्रपोजल में लिमिटेशंस नहीं होते, पर कई मैंने ऐसे शोध प्रस्ताव को देखा जहाँ से मुझे ये आइडिया हुआ कि कुछ ऐसे पोटेंशियल वीकनेसेस हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते और इसको आप पहले से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आप उसे जो है क्या करें, आप पहले से अपनी रिसर्च प्रपोजल में बता दें कि मान लीजिए कुछ ऐसे इंटरनल थ्रेड्स ऑफ वैलिडिटी हैं आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। वर्धा में जिस भी सरकारी विद्यालय में आप जाते हैं वहाँ पर सिर्फ एक सेक्शन है और आपको कंट्रोल ग्रुप भी लेना है, जिस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का आप उपयोग कर रहे हैं उसमें कंट्रोल ग्रुप भी है, तो आपको दो ग्रुप प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और आप उस ग्रुप को
के साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, दो सरकारी विद्यालय ले लेते हैं, एक सरकारी विद्यालय के एक का जो क्लास है, इसी भी स्टैंडर्ड पे जो क्लास है, वह आपका या तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बन जाता है या कंट्रोल ग्रुप बन जाता है, और दूसरे का दूसरे दूसरा जो विद्यालय है उसमें से भी किसी एक जो पर्टिकुलर क्लास जो आप ले रहे हैं, ग्रेड जो ले रहे हैं, उसी का वो क्लास जो है आप कंट्रोल ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के रूप में ले लेते हैं। तो वहाँ जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वह अलग अलग है, आप किसी एक विद्यालय में जाकर ही तो उसको पढ़ाएंगे, दोनों विद्यालयों में पढ़ाना जो है आसान कार्य तो होगा नहीं। तो आप ये मानते हैं कि उनको जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है उस शिक्षक के द्वारा, आप उसको उसी तरह से रहने देंगे और आप किसी एक विद्यालय के साथ अपने एक्सपेरिमेंट के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो जो दूसरा जो कंट्रोल ग्रुप है ना, मान लीजिए जो कंट्रोल ग्रुप है वहाँ पे जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनके पढ़ाने का जो तरीका है वह जो है जो शोधार्थी है उसके पढ़ाने के तरीके से ज़्यादा प्रभावी है। वे बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, जिससे विद्यार्थी जो है जिस प्रकरण को पढ़ाया जा रहा है उसे आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये थ्रेट हमेशा ही रहेगा, ये जो है आप इसे जो है दूर नहीं कर सकते कि जो टीचिंग स्टाइल है या जो उनकी संवाद जो शिक्षक की जो शिक्षण शैली है वह जो है आपकी इंटरनल थ्रेट्स ऑफ वैलिडिटी के अंतर्गत सम्मिलित थ्रेट्स टू वैलिडिटी के अंतर्गत है, और ये पोटेंशियल वीकनेस है आपकी स्टडी की, और इसको आप पहले से ही स्पेकुलेट कर लेते हैं कि शायद आप इस लिमिटेशन को दूर नहीं कर पाएंगे, तो आप इसे रिसर्च प्रपोजल में सम्मिलित कर सकते हैं। डिलिमिटेशंस में क्या होता है, डिलिमिटेशंस में आप ये बताते हैं कि आपकी स्टडी जो है की स्कोप कितनी है, उसका वह कितनी बाउंडेड है, उसकी बाउंड्री कहाँ है। व्हाई द रिसर्चर इज नॉट डूइंग समथिंग, आप क्यों जो है कोई पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स ले रहे हैं और कुछ पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स को आप नहीं ले रहे हैं। मान लीजिए कि आप जो है सरकारी विद्यालयों के ही अपर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन के साथ काम कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के जो अपर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन है उनके साथ आप कार्य नहीं कर रहे, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने क्यों सिर्फ सरकारी विद्यालयों के ही अपर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन को चुना। यदि आप जो है डिलिमिटेशन में ये करते हैं कि आप सिर्फ सोशल साइंस सब्जेक्ट पर ही सीबी का असर देखना चाहते, सॉरी साइंस सब्जेक्ट में ही आप सीबी का असर देखना चाहते, बाकी सब्जेक्ट्स में क्यों नहीं देखना चाहते, यह भी जो है आप जो है डिलिमिटेशन के अंतर्गत रखते हैं। आप अपर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन की बात करें, हो सकता है कि सिर्फ आप क्लास 8 के स्टूडेंट के साथ कार्य कर रहे हैं, क्लास 6 और 7 के स्टूडेंट्स के साथ कार्य कर नहीं रहे हैं, तो यह भी आपका डिलिमिटेशंस है। तो आपको जो है इस डिलिमिटेशंस को क्या करना होता है, बताना होता है, शोध प्रस्ताव में आपको इसे प्रस्तुत करना होता है। और ये डिलिमिटेशंस या जो आपकी जो लिमिटेशंस हैं, यह हम सोचते हैं कि कहीं आपके शोध कार्य को कमज़ोर तो नहीं बना देगी, आपके रिसर्च प्रपोजल को कमज़ोर तो नहीं बनाएगी, नहीं, यह आपकी एक स्पष्ट सोच का क्या है, सूचक है, मापक है, आप यह कार्य कर सकते हैं, इस सेक्शन को इस प्रकार जो है इसका वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद हम सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, यह की कॉम्पोनेंट होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी के अंतर्गत जो है दो प्रकार के इम्प्लीकेशंस को हम देखते हैं, एक होता है थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस और दूसरा होता है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस के तहत जो है हम यह देखते हैं कि जो जिस रिसर्च कार्य को आप करने वाले हैं वह रिसर्च वर्क जो है किस प्रकार जो संबंधित शोध साहित्य है, जो या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है या जो अवेलेबल बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें किस प्रकार के ज्ञान को जोड़ेगा, क्या नया आयाम जोड़ेगा, क्या नया विचार जोड़ेगा, आप यह बताते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी देखते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस में यानी ये प्रैक्टिशनर्स को या आपके जो कलीग्स हैं उसको किस प्रकार मदद करेगा, करिकुला में किस तरह मदद करेगा, पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी इंटरवेंशंस को डिज़ाइन करने में किस प्रकार मदद करेगा, काउंसलर्स को किस प्रकार मदद करेगा, है ना, ये एजुकेशनल इंटरवेंशंस में किस प्रकार मदद करेगा, टीचर ट्रेनिंग में ये किस प्रकार मदद करेगा, एजुकेशनल मैनेजमेंट में ये किस प्रकार मदद करेगा, तो आप इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को भी बताते हैं। इसके बाद रेफरेंसेस का सेक्शन आता है, और रेफरेंसेस जो है आप APA फॉर्मेट में आप लिखते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी की अपनी फॉर्मेट भी हो सकती है या यूनिवर्सिटी किसी अन्य जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसे MLA है, शिकागो है, इसका भी उपयोग जो है वो रेफरेंसेस के प्रिपरेशन के लिए कर सकती हैं, कि राइटिंग के लिए कर सकती हैं। तो जो आप रेफरेंसेस का निर्माण करते हैं वो किसी न किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट के तहत करते हैं, और जितने भी आपने इंटेक्स साइटेशन दिए होते हैं वे उन सभी इंटेक्स साइटेशन को आप
रेफरेंसेस सेक्शन में उसकी पूरी डिटेल जो है एपीआई फॉर्मेट में देते हैं। यह भी एक रोचक मामला है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो यह कहती है कि जितनी भी रेफरेंसेस आपने दिए हैं उन रेफरेंसेस की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दीजिए और साथ ही साथ आप उसके एब्स्ट्रैक्ट को भी जो है उसके साथ जोड़िए, ऐसा भी होता है। तो इससे क्या है कि जो इवैल्यूएटर है, जो रीडर है, वो ये देख सकता है कि जो जिस स्टडी को आपने इंटेक्स साइटेशन में रखा है या अपने शोध प्रस्ताव में स्थान दिया है, क्या या वह जो स्टडी है या उसकी जो एप्स जो भी कंटेंट है, क्या सचमुच आपके शोध साहित्य से जुड़ सचमुच आपकी शोध समस्या या शोध कार्य से जुड़ती है, प्रस्तावित शोध कार्य से जुड़ती है। इसके अतिरिक्त आपसे यह भी कहा जा सकता है कि आप बिब्लियोग्राफी को भी इंक्लूड कीजिए। बिब्लियोग्राफी जो है एक शोधकर्ता की वृहद समझ को दर्शाता है। हो सकता है कि यह जो इवैल्यूएटर कमेटी है या रिसर्च कमेटी के जो मेंबर्स है, वह ये देखना चाहते हैं कि शोधकर्ता या शोधार्थी जो है उस शोध क्षेत्र के बारे में कितनी गहन जानकारी रखता है, ठीक है। तो वह उसकी गहन जानकारी के आकलन के लिए यह हो सकता है कि आप अपने रिसर्च प्रपोजल में, आपसे यह अनुरोध किया जाए कि आप जो है अपने रिसर्च प्रपोजल में, है ना, आपसे अपेक्षा की जाए कि आप अपने रिसर्च प्रपोजल में रेफरेंसेस के साथ साथ आप बिब्लियोग्राफी को भी स्थान दें। इसके बाद कुछ अपेंडिक्सेस जो होती है इसको भी आप क्या कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं या एक अलग सेक्शन होता है। यानी आपको जो कॉन्सेप्ट लेटर प्राप्त हो रहा है संस्था से या फिर आपके जिस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम करना चाहते हैं, उस कॉन्सेप्ट लेटर को आप अपेंडिक्स के रूप में क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप अपने शोध कार्य में एक ऑनलाइन, है ना, सॉरी अवेलेबल जो इंस्ट्रूमेंटेशन है या रिसर्च टूल्स है उसका उपयोग करने जा रहे हैं, तो उस उनके जो ऑथर है उनकी जो सहमति आपने ली है या नहीं ली है, तो उनकी यदि सहमति है कि आप जो है उस ऑनलाइन टूल या फिर वो जो है या फिर इसी तरह का जो इंस्ट्रूमेंटेशन है जो ऑफलाइन बेसिस में भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, तो आप उसका भी जो है उसके लिए जो कॉन्सेंट है आपको प्राप्त हुआ है ऑथर का, उसे भी आप अपेंडिक्स में क्या कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने यह चर्चा की कि जो रिसर्च प्रपोजल है उसके महत्वपूर्ण कॉम्पोनेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। यह हमने जाना कि जो एक लॉजिकल और डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल है वह कैसे तैयार किया जाना चाहिए उसका, और जो ये जितने कॉम्पोनेंट्स हैं, जितने स्टेप्स हैं, उसका एक लॉजिकल सिक्वेंस कैसा होना चाहिए, यह सब कुछ हमने जाना। आशा करती हूँ कि आपको यह जो लेक्चर है आप इससे लाभान्वित होंगे। कुछ ऐसी बातें इसमें ज़रूर होंगी जिसने आपके ज्ञान का विस्तार किया होगा। मैं सोमू सर के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, हु लेट मी बी अ पार्ट ऑफ दिस फेसबुक लाइव लेक्चर सीरीज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। थैंक यू ऑल।